जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हंसराज कॉलेज, हंसराज महाविद्यालय तथा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ये 3 दिवसीय वेब गोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पहले दिन सिनेमा पे विचार विमर्श हुआ और एक बहुत ही सार्थक विचार विमर्श इस वेब गोष्ठी के माध्यम से किया गया। और कल वेब गोष्ठी के दूसरे दिन पत्रकारिता को लेकर एक बड़ा ही हर गर्भित और गहन विचार विमर्श मंथन और वक्तव्य दिए गए और काफी कुछ तो शब्दावली को लेकर भ्रांतियां थी उनके बारे में भी विचार विमर्श किया गया। आज इस वेब गोष्ठी का तीसरा दिन है जिसमें कि ज्ञान और तकनीकी शब्दावली के ऊपर विचार विमर्श किया जाना है। और हमारे साथ में जो हमारे अति विशिष्ट विद्वान साथीगण हैं वो सभी आ चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दावली आयोग पिछले 6 दशकों से निरंतर सभी विषयों में, जिसमें विज्ञान भी है, मानविकी भी है, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान भी है, आयु विज्ञान, कॉमर्स और प्रबंधन, ये सभी हैं, इन सभी के लिए शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है। और अभी तक लगभग 8.5-9 लाख शब्दों के हिंदी और भारतीय भाषाओं में पर्यायों का निदान किया गया है। शब्दावली आयोग के साथ में पूरे भारतवर्ष में 22 ग्रंथ अकेडमी भी कार्य करती है, जिनके माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। इस क्रम में भी मुझे बताते हुए हर्ष है कि शब्दावली आयोग तथा 22 ग्रंथ अकेडमियों के माध्यम से अभी तक 15,000 से अधिक शीर्षकों से हिंदी और भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हमारे साथ में विद्वान साथी हैं और शिक्षक साथी हैं इस वेब गोष्ठी में। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी इसमें अपनी रुचि लें और आप व्यक्तिगत रूप से या एक छोटा समूह बनाकर एक ग्रुप में 2-3 लोग मिलकर भी कुछ विज्ञान विषयों के, इंजीनियरिंग विषयों के और मानविकी या दूसरे विषयों पर पुस्तक लेकर कार्य करेंगे। तो इन अकादमियों के माध्यम से, शब्दावली आयोग के माध्यम से इनका प्रकाशन भी किया जा सकता है। शब्दावली आयोग 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है, जिसमें एक पत्रिका है विज्ञान गरिमा सिंधु, जिसमें विज्ञान से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता है। दूसरा है ज्ञान गरिमा सिंधु, जिसमें मानविकी और सामाजिक विषयों से संबंधित जो लेख आते हैं उनका प्रकाशन किया जाता है। और ये सभी प्रकाशन शब्दावली आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, दोनों पत्रिकाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शब्दावली आयोग द्वारा एक क्वेश्चन ईयर भी बनाया गया है, भाई जिसमें लगभग क्वेश्चन के आसपास है। क्वेश्चन ईयर मैंने पिछले 2 दिनों में चैट बॉक्स के माध्यम से सबमिट भी किया था और मुझे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कि काफी बहुत सारे प्रतिभागियों ने इस क्वेश्चन ईयर को फिल करके सबमिट किया है। तो आज भी मैंने दिव्यांशु जी से, महेंद्र प्रताप जी से अनुरोध किया है कि जब आप फीडबैक फॉर्म सबमिट करें तो उस फीडबैक फॉर्म के साथ में इस क्वेश्चन ईयर को भी सभी को ईमेल कर दें, ताकि जिन साथियों ने इसको नहीं फिल किया है वो भी इसको फिल कर दें। और इससे काफी कुछ हमें जानने सीखने को मिलेगा कि हम भारतीय भाषाओं के प्रति हमारी क्या रुचि है और क्या उसमें हम आगे सुधार कर सकते हैं, यही सब सोचते हुए इस क्वेश्चन ईयर को डिजाइन किया गया है। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं सभी विद्वानों का एक बार स्वागत करता हूँ और महेंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वेब गोष्ठी का शुभारंभ कराएं और विद्वान साथियों को आमंत्रित करें वक्तव्य के लिए, विचार विमर्श के लिए। सभी को धन्यवाद। प्रभांशु जी, जी मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी शुरुआत में हम लोग कर देते हैं, है ना? दो लोगों को बीच में हम जोड़ लेंगे। बहुत बहुत नमस्कार स्वागत एक है। बार फिर से, आप सभी लोगों का मैं स्वागत फिर से एक बार करता हूं। और हमारे दो वक्ता बिल्कुल किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, प्रभांशु जी बात कर रहे हैं उनसे। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में अपनी बात तकनीकी शब्दावली आयोग की तरफ से जय सिंह रावत जी 2 मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। जय सिंह मैं अनुरोध करता हूँ कि आज शिव कुमार चौधरी जी शुरुआत करें, और श्री शिव कुमार चौधरी जी अगर बात रखेंगे तो ज्यादा चलेगा। शिव कुमार चौधरी जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं शिव कुमार चौधरी, इन्होंने कहा था कि मैं समापन सत्र में रहूंगा, इसलिए मैंने इसलिए ऐसा कहा। तो शिव अच्छा कुमार जी, चौधरी जी तो मैं कर सकता हूँ से सर अनुरोध है का। कि आए। और जय सिंह जी, आप ही शुरुआत करिए, हमारा सत्र उसी समय रहने दीजिए, थोड़ा सा मैं फीडबैक दूंगा। ठीक है सर।
तो सबसे पहले आज के जो त्रिदिवसीय संगोष्ठी का जो अंतिम दिवस है, मैं आप सभी आमंत्रित वक्ताओं का आयोग की ओर से स्वागत करता हूं। और अभी जो लगभग हमारे बीच में 200 से अधिक या 300 से अधिक जो सहभागी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा दिन है वो विज्ञान की तकनीकी शब्दावली पर रखा गया है, और उनसे जुड़े हुए सभी हमारे जो विद्वान वक्तागण हमारे बीच में आमंत्रित हो चुके हैं, और कुछ ही क्षणों बाद हम उनको सुनना प्रारंभ करेंगे। और आशा करते हैं कि पिछले दो दिनों की तरह यह आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही शानदार और लाभप्रद रहेगा, जैसा कि दो दिन हुए हैं। तो अब मैं ज्यादा और समय नहीं गवाते हुए सीधे सीधे हमारे इस संचालन करता डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी और डॉक्टर शुभांशु अजय जी को निवेदन करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद श्री जय सिंह जी, आप सभी का स्वागत है। ये तीन प्रभांशु जी, प्रभांशु पल्लव बागला जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है। स्वागत है सर। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी का आज तीसरा दिन, जैसा कि आप सबको पता है, पहले दिन बहुत ही सार्थक परिचर्चा रही कृष्णा की तकनीकी शब्दावली पर, और अपने आप में बहुत ही अद्वितीय वो चर्चा थी, क्योंकि सिनेमा की शब्दावली पर और खासकर तकनीकी शब्दावली पर आमतौर पर चर्चाएं नहीं ना के बराबर होती रही हैं। कल का दिन समर्पित रहा पत्रकारिता की तकनीकी शब्दावली पर, जिसमें हमने रेडियो की भाषा पे, अखबारों की भाषा पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा पर, टीवी चैनल्स की भाषा पर हमने बात किया। तमाम पक्ष निकल कर सामने आए कि भाषा की शुद्धता कितनी होनी चाहिए, कितना भाषा सरल या कठिन, क्या पैमाने होनी चाहिए, ये तमाम तमाम मुद्दों पर कल बात हुई। और आज का जो तीसरा दिन बहुत ही गंभीर और बहुत ही जरूरी सत्र, जिस पर हम सबको बात करनी ही चाहिए, विज्ञान की तकनीकी शब्दावली पर हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि विज्ञान, हम विज्ञान पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एक वैज्ञानिक सोच, एक वैज्ञानिक दृष्टि हम सबके जीवन का अहम हिस्सा होनी ही चाहिए। और खासकर विज्ञान की शिक्षा अपनी भाषा में हो तो निश्चित रूप से देश प्रगति की ओर जाता है। तो विज्ञान की शिक्षा के लिए कैसे नए शब्द गढ़े जाएं, कैसे हम अपनी भाषा में विज्ञान की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे लगभग सभी अतिथि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आर के शर्मा जी हैं, राकेश कुमार शर्मा जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, ग्रीन केमिस्ट्री नेटवर्क के नॉर्थ इंडिया हेड हैं, संयोजक हैं वो, और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कैसे अधिक से अधिक, खासकर ग्रीन केमिस्ट्री कैसे अधिक से अधिक आम जन में पहुंचाई जाए, इसके लिए वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हरित रसायन को शामिल करवा चुके हैं, और वो स्कूल लेवल तक, गांव में भी वो इस शिक्षा को ले जा रहे हैं। हमारे साथ सुब्रता मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, आप गोवा से हैं और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। विज्ञान लेखन अनवरत रूप से कैसे आम जन तक पहुंचाया जाए उसी की भाषा में, इसके लिए आप लगातार सक्रिय रहती हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विज्ञान प्रसार से प्रोफेसर वीरेंद्र त्यागी जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पल्लव बागला जी हैं, हंसराज महाविद्यालय के ही आप पूर्व छात्र हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत खुशी है सर आपको यहाँ देख करके। हमारे साथ मनोज जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो NSCIAR के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो अभी थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ विगत तीन दिनों से प्रोफेसर अवनीश जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तकनीकी शब्दों पर अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं, जय सिंह जी, शिव कुमार चौधरी जी, डॉक्टर महेंद्र जी, और हम सब की प्रेरणा स्रोत जिनके मार्गदर्शन में हम सब लगातार अपनी भाषा के लिए ऐसे जरूरी कार्यक्रम कर रहे हैं। आज विज्ञान पे कार्यक्रम है और हमने हिंदी को विज्ञान भवन तक पहुंचाया मैम के नेतृत्व में, ऐसी हमारी प्रोफेसर रमा मैम जुड़ी हुई हैं। तो कार्यक्रम मैं शुरू करूं, इससे पहले मैं प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करूंगी। जी बस खाली मैं एक एक ये बात बोलना चाह रहा हूँ, बोलिए। हमारी कोशिश ये रहे जैसे कि जो पसंद किया जा रहा है, वक्ता हमारे कुछ देर बोल के फिर आपस में डिस्कस करें तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा लाभदायक होता है हमारे जो श्रोता लोग होते हैं। तो सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि थोड़ा समय बोल के फिर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, वो ज्यादा हमारे
मैं प्रोफेसर रमा मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें, उसके बाद हम कार्यक्रम रहेगा। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है तो संवाद करने से मुझे लगता है कि अच्छे से बात अपने रख सकते हैं। अधिक हो रहा है, हम सभी वक्ताओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रभांशु, आप वक्ताओं को आप बुलाना शुरू कीजिए प्लीज। जी जी जी, इस क्रम में मैं आज हमारे साथ डॉक्टर शुक्लता मिश्रा जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी। लगातार आप विज्ञान लेखन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करती हैं, जिसके लिए आपको भारत सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर शुभारंभ वही करें, और क्या है विज्ञान, क्या है प्रभांशु एक मिनट बागला जी आप बताइए कि हमने ये सत्र 4:30 बजे तक चलाना है, तो प्रत्येक वक्ता को कितना समय दिया जाए जिससे कि आप इनके साथ एक इंटरेक्शन भी करने संवाद हो जाए आप लोगों का। संवाद के लिए हम जा रहे हैं कि ज्यादा समय बचे, बागला जी आप बताइए। मैडम किसी को 3 मिनट से ज्यादा नहीं। मतलब आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रभांशु, आवाज आ रही है। पल्लव जी, हमारा ये 4:30 बजे तक सत्र हमने करना है, तो कुछ इस तरह से आप समय का विभाजन कर लीजिए कि थोड़ी थोड़ी अपनी बात कहने के बाद पल्लव बागला जी एक संवाद स्थापित कर सके सभी वक्ताओं के साथ। पल्लव जी, ऐसा ठीक रहेगा? मैडम पहले तो नमस्कार आपको और बाकी साथियों को। भाई किसी ने कहा मैं हंसराज का छात्र हूँ, बहुत मेरे को लगाव है हंसराज से, माफी चाहता हूँ थोड़ा देर से जुड़ा क्योंकि लिंक मेरे पास नहीं पहुंचा था, लेकिन अब तो जुड़ गया। देखिए तार जुड़ने से होता है, मोहब्बत जुड़ने से आगे बढ़ती है। रमा जी 4:30 बजे तक तो मैं नहीं रुक पाऊंगा, और मेरी हरदम राय ये होती है कि कोई भी चीज किसी वक्ता को 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं देने चाहिए, और देखिए क्लास भी जो होती है वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं होती कभी। नहीं पल्लव जी, ऐसा क्लास 1 घंटे की होती है, वो पुराने नियम थे 40 मिनट वाले। हम एक काम करते हैं, हम वक्ताओं को पहले 5-5 मिनट का समय दे देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा राउंड हमारा बातचीत का हो जाएगा, ऐसा ठीक है? प्रभांशु आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी मैम आ रही आवाज। हाँ तो प्रभांशु 5-5 से 7 मिनट आप वक्ताओं को दे दो, उसके बाद फिर इनका आपस में संवाद हो जाएगा। तो सबसे पहले शुभ्रता जी को बुला रही हूँ। हाँ शुभ्रता जी, आपका सादर आप स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, एक्चुअली पहले मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह से 3-4 मिनट में करना है, तो मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 10 मिनट का तैयार किया था, तो मैं उसे और छोटा कर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने तैयार किया है उसे देख लिया जाए तो बेटर रहेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए दिखाइए, आप 10 मिनट ले लीजिए, आपके बाद फिर पल्लव बागला जी बोलेंगे, आप 10 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभांशु जी मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, तो उसमें जी आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। हाँ जी, डिसेबल आ रहा है, एक मिनट बस। अमित सर हाँ जी हाँ जी, हो गया ऑप्शन मैम कीजिए। हाँ जी आ गया आ गया आ गया आ गया जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, और जैसा कि चूंकि ये पूरी जो 3 दिवस की गोष्ठी थी उसमें सिनेमा शब्द का उपयोग किया गया था, और हंसराज कॉलेज का सिनेमा से बहुत ज्यादा संबंध रहा है, और कल ही मैडम मैं आपको सुन रही थी, आपने सिनेमा में स्त्रियों को किस तरह से किरदारों को लिया है, तो इसलिए मैंने इस संगोष्ठी में जो अपना विषय रखा वो भारतीय सिनेमा से विज्ञान का लोक व्यापीकरण इस विषय को रखा है। तो मैं शीघ्रता से इन स्लाइड्स को आपको बताना चाहूंगी, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो सिनेमा है वो अपने आप में पहले एक विज्ञान है, उसके बाद वो मनोरंजन का साधन होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि प्रकाश विज्ञान, रसायन विज्ञान, दृष्टि विज्ञान और फोटो टेक्निक्स, ये सब चीजों को मिला के जो एक समन्वित अंतरक्रिया के माध्यम से जो बनता है वो सिनेमा होता है।
इसी तरह से सिनेमा को हम एक तकनीक की भांति भी जानते हैं कि ये एक तकनीक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो सिनेमा है उसमें रंगमंच, साहित्य, चित्रकला, ये सब चीजें आती हैं। और जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक का विकास होता गया तो मूक सिनेमा से लेकर डिजिटल सिनेमा तक विभिन्न तकनीकियों का उपयोग करते हुए सिनेमा ने भी बहुत आगे तरक्की की है। अब बात आती है कि लोक व्यापीकरण, तो जो सिनेमा होता है वो उसमें जितने भी विषय समाहित हैं उन सभी का लोक व्यापीकरण वो करता है। तो इसमें आज जो मैं बात करूंगी वो विशेष तौर पर विज्ञान को किस तरह से सिनेमा ने लोक व्यापित किया है। लोक व्यापीकरण का तात्पर्य होता है कि किसी भी ज्ञान विशेष को लोगों तक पहुंचाना। तो जो सिनेमा है उसने फिल्मों के साथ साथ अन्य जो टीवी के और केबल आदि चीजें, डीवीडी, उन सबको भी लोक व्यापित किया है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत कम संक्षिप्त में अपनी बात रख रही हूँ। तो जो हमारे जो भारतीय सिनेमा का लोक व्यापक क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा है, और आप सभी जानते हैं कि जो पूरी दुनिया है उसमें सिर्फ भारत पहले स्थान पर आता है कि सबसे ज्यादा फिल्में यहाँ बनाई जाती हैं। और जो इसका लोक व्यापक क्षेत्र आप देखेंगे कि हम सिर्फ बॉलीवुड को ही भारतीय सिनेमा नहीं कह सकते हैं, इसमें हमारा मराठी, कोंकण, गुजराती, असमिया, तेलुगु, तमिल, ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं लोक व्यापक क्षेत्र हैं भारतीय सिनेमा के। और इसके अलावा जो दुनिया के स्तर पर यदि आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा एक व्यापक क्षेत्र जो है वो हमारे भारतीय सिनेमा का है। और भारतीय सिनेमा को हम विज्ञान से यदि जोड़ें तो आप देखेंगे कि पर्दे के पीछे जो शब्दावलियां हैं, विज्ञान की एक भाषा है, सिनेमा की एक भाषा है, और उसमें तीन चीजें आप देखेंगे, कैमरा, लाइट और साउंड, ये तीन जो शब्द हैं ये चाहे कोई भी सिनेमा हो, भारतीय सिनेमा में उत्तर से, दक्षिण, पूर्व से, पश्चिम, उसमें ये जो शब्द आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इन सभी का प्रयोग होता है। हालांकि जब मैं पहले दिन सुन रही थी तो उसमें ये था कि अभी हमारे जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है उसमें सिनेमा संबंधी जो तकनीकी शब्द हैं उनका हिंदी में कोई इस तरह का शब्द अभी नहीं बना है। तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि भारतीय सिनेमा की जो शब्दावली है, विज्ञान की जो प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए शब्दों का बनना जरूरी जरूर है, लेकिन फिर भी इन शब्दों का प्रयोग अपने आप में एक सिनेमा की भाषा के तौर पर प्रयोग होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको रोचक बनाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि जो भारतीय सिनेमा है, क्योंकि जिस तरह से बाकी विषयों को सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो जो विज्ञान कथा आधारित फिल्में भारतीय सिनेमा में बनी हैं उन्होंने विज्ञान को लोगों तक पहुंचाया है। इसमें आप देखिए कि 50 से 60 के दशक की यदि आप फिल्मों को देखेंगे तो सबसे पहले जो फिल्मों के माध्यम से विज्ञान लोगों तक पहुंचा वो 1952 की एक तमिल और अंग्रेजी में बनी पिक्चर थी, काडू द जंगल। इसको इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये पहली शुरुआत थी कि सिनेमा के द्वारा जो है विज्ञान लोगों तक पहुंचाया गया था। और उसके बाद 1960 में सत्यजीत रे ने एक पिक्चर बनानी चाहिए थी, द एलियन, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं बन पाई थी। और बॉलीवुड में 1964 में मिस्टर एक्स पिक्चर आई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि 70 से 90 के दशक की फिल्में आई जिनमें बहुत सी ऐसी फिल्में थी, आपको याद होगा मिस्टर इंडिया इसमें सबसे बड़ी फिल्म थी जिसके माध्यम से विज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचा था। और ये तो मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, लेकिन तेलुगु और तमिल में ज्यादा साइफाई मूवीज बनी है, ये बात मेरे ख्याल से जो सिनेमा से जुड़े लोग होंगे वो जानते होंगे। इसमें आदित्य 369 में पिक्चर आई थी जिसमें पहली बार लोगों को पता चला कि किस तरह से जो एक टाइम मशीन होती है। तो ये सब ऐसी चीजें थी। उसके बाद 21वीं सदी की आप फिल्में देखें, 2002 से 2019 तक की जो फिल्में हैं उसमें एक बिल्कुल विज्ञान कथा आधारित बहुत सी पिक्चरें आई, कोई मिल गया, क्रिश, रॉवन, ये सब ऐसी। और पिछले साल जो 2019 में मिशन मंगल आई है उससे तो हमें लगता है कि सारे लोग जो हैं मंगल पर पहुंच गए, भारत के लोग। तो ये बहुत ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने लोगों को विज्ञान से जोड़ा।
और वायरस पर आधारित फिल्मों को आप देख सकते हैं। 2019 में निपा वायरस पर एक मलयाली फिल्म आई थी, और सबसे अच्छी चीज ये है कि अब तकनीकी जो बदली है, तो चाहे कोई भी भाषा की फिल्म रही हो, उनको उस अपनी भाषा में लोग जो है सुन पा रहे हैं। ये जो मिरुथन पिक्चर आई अभी, जो कोरोना का समय चल रहा है, ये हूबहू वैसी ही पिक्चर है जैसा कि कोरोना का आविष्कार है, यहाँ जो फैला है कोरोना, उस पर आधारित ये फिल्म है। ये फिल्म पहले आ गई थी, कोरोना बाद में आया। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई ऐसे भारतीय दर्शक हैं जो दूसरी फिल्मों को भी, जो विदेशी फिल्में हैं उनके अपने दर्शक भी रहे हैं। अभी आप अवतार को ले लीजिए, ग्रेविटी को ले लीजिए, ये ऐसी फिल्में हैं जिन जो भारतीय सिनेमा ऐसी लगती है जैसे भारत की ही फिल्में हैं। तो लेकिन एक बात जो आती है कि इन, मैं ये कहना चाहूंगी कि इन भारतीय विज्ञान आधारित फिल्मों के कारण जो विज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा है। लेकिन कुछ लोग जो समीक्षक होते हैं वो कहते हैं कि विज्ञान जो है पूरी तरह से इन नहीं सिखाता है लोगों को। लेकिन चूंकि फिल्म जो है वो मनोरंजन पर ज्यादा आधारित होती है, तो थोड़ा सा धुंधला रिश्ता जो है वो होता है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो सिनेमा है वो पूरी तरह से विज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो विशुद्ध यदि विज्ञान फिल्में लोगों को देखना है, तो जो हमारे विज्ञान प्रसार से सर भी आए हुए हैं वो भी इसको आगे अच्छी तरह से बता पाएंगे कि जो हमारा विज्ञान प्रसार है या जो DST है वो इस तरह के समारोह करता है जिसमें विज्ञान फिल्में लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यदि इन समारोहों से आम लोग नहीं भी जुड़ पाते हैं, तो हमारे यहाँ अभी विज्ञान के DD साइंस और विज्ञान DD चैनल, साइंस चैनल आए हैं जिनमें विज्ञान सिनेमा को दिखाया जाता है। तो इनके माध्यम से भी जो है लोग जुड़ सकते हैं। और इस तरह मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ कि सिनेमा का बहुत योगदान विज्ञान को लोगों तक पहुँचाने में रहा है। और जहाँ तक शब्दावली का आप सवाल है, तो उसमें विज्ञान की शब्दावली के लिए अलग से शब्दों को निर्मित करने की आवश्यकता है। आगे जो भी सेशन में हम डिस्कशन करेंगे तो मैं अपनी बात रखूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एक नए आयाम से विषय को देखा, सिनेमा के नजरिए से विज्ञान को आपने देखा। फिर हम जुड़ेंगे मैम आपसे और अन्य मुद्दों पर भी, जो चर्चा के क्रम में हम लोग बात करेंगे। अब हमारे साथ पल्लव बागला सर हैं, उनका क्या अनुभव रहा है, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, विज्ञान की खबरें खास करके हिंदी पट्टी में, हिंदी के अखबारों में, हिंदी मीडिया में विज्ञान की खबरों को कितना स्थान मिलता है, विज्ञान को लेकर के जागरूकता कितनी है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की, हम विज्ञान के छात्र नहीं रहे, तो आम आदमी पढ़े ही नहीं विज्ञान की खबरों को। तो विज्ञान को लेकर के हमारे समाज में कितनी जागरूकता है, खासकर हिंदी बोलने वाले समाज में? इन तमाम मुद्दों पर मैं चाहता हूँ कि सर आप गंभीरतापूर्वक प्रकाश डालें। फिर धीरे धीरे अभ्यर्थियों के भी सवाल आ रहे हैं, तो हम उन सवालों के माध्यम से भी आपसे जुड़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे जुड़ के आप साथ में। और जब कॉलेज याद करता है तब मैं जरूर आता हूँ। कॉलेज ने मुझे, हंसराज कॉलेज ने मुझे बहुत सिखाया। जो कुछ नाम है, काम है, कहीं ना कहीं वो हंसराज से जुड़ने के बाद ही शुरू हुआ, तो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर रमा तो खैर बहुत डायनेमिक हैं, और उनकी लीडरशिप में बहुत चीज़ें हो रही हैं कॉलेज में, मैं उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, कॉलेज का भी और डॉक्टर रमा का भी और बाकी वक्ताओं का भी। जी, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा आम लोगों से अलग है। मैं अंग्रेजी में भी करता हूँ पत्रकारिता और हिंदी में भी करता हूँ, और खासकर विज्ञान और हेल्थ के क्षेत्र में पत्रकारिता बहुत करी है मैंने। और एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें मैं करता हूँ, वो है फोटोग्राफी का, और उसमें मुझे भाषा की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सल लैंग्वेज है आईज की, वो काम आती है। तो वो स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, टुल्लू हो, संस्कृत हो, वहाँ पे फोटोग्राफी जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में काम आती है मेरे। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, हिंदी की
जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है और मुझे हरदम हिंदी से हिंदी में पत्रकारिता करने में बहुत शौक था। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने 13 साल NDTV में काम किया, बहुत साल प्रिंट में रहा, मैंने NDTV क्यों ज्वाइन किया। मैंने NDTV केवल इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जब तक मैं NDTV से 13 साल पहले नहीं जुड़ा था तब तक मेरी पत्रकारिता केवल अंग्रेजी में होती थी और एक बहुत बड़ा तबका जो था उनसे मैं जुड़ नहीं पाता था। तो जब NDTV में आया मैं, तब मैंने उनसे केवल एक ही रखा था प्रस्ताव कि मैं हिंदी में भी करूंगा, और वो करते करते बात यहाँ तक आ गई कि हिंदी की जो हमारी ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा लगाव रखती थी। और ये जो लोगों का मानना है कि हिंदी के ऑडियंस जो है वो विज्ञान नहीं समझती या विज्ञान की चीजों को ज्यादा समझना नहीं चाहती है, बिल्कुल ही आधार रहित है। मैं जब भी कोई प्रोग्राम हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं, मेरे को हिंदी की ऑडियंस जो थी वो बहुत प्यारी थी और हिंदी से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे सवाल आते थे और अच्छे पहने सवाल जो थे वो मेरी हिंदी की ऑडियंस से ही आते थे। मैंने NDTV तो छोड़ दिया, लेकिन जो मेरे कुलीग हैं रवीश कुमार साहब जो कि बहुत चर्चित पत्रकार हैं, वो कहा करते थे पल्लव की शादी तो अंग्रेजी से हुई है और मोहब्बत हिंदी से है। तो मेरे को हिंदी करने में बहुत आनंद आता है। हाँ, बहुत चीजें होती हैं जिसमें कि हम शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के ही यूज करते हैं और मिली जुली भाषा में करना पड़ता है क्योंकि हर शब्द का हिंदी में हमें एक ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं मिलता है। हाल में ही देखिए, अब ये शब्द इतना प्रचलित है लॉकडाउन, लॉकडाउन का कोई हिंदी में शब्द हमें ढंग का नहीं मिला। इसी तरह से हिंदी के भी कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही क्लिष्ट होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बारी बारी उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द है वैश्विक महामारी। अब वो वैश्विक महामारी शब्द सुन के ही आधे लोग जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। अब हमारा काम है लिविंग विद द कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के साथ हमने आगे जीना सीखना है, तो उसमें ये वैश्विक महामारी जैसे भारी भरकम वर्ड जो है वो छोड़ के अगर हम कोई सिंपल वर्ड यूज करते, और उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, अगर हम इसको केवल कोरोना बीमारी बोलने लगते तो शायद हमारी जनता को इतना खौफ इतना डर कोरोना से नहीं रहता और कहीं ना कहीं हमें इससे जीत पाने में ज्यादा सहूलियत होती। तो आने वाले टाइम में मेरा तो ये हरदम से मानना रहा है कि जो मातृभाषा होती है उसमें जो भी हम वार्ता करते हैं वो बहुत गहराई तक लोग समझते हैं और लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर जो हैं वो अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं और अक्सर मैंने देखा है लोग सोचते हिंदी में हैं और बोलते अंग्रेजी में हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अक्सर अंग्रेजी जो है वो हिंदी की ग्रामर में ही निकलती है बहुत लोगों की। तो मेरा कहने का मतलब हिंदी से ही नहीं है, बाकी मातृभाषाओं में भी है। तो इस पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतनी ढेर सारी मातृभाषा है और हिंदी जो है वो इतनी चर्चित है, इतने लोग उसको बोलते हैं और उससे किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, उससे ही बात आगे बढ़ेगी। केवल अंग्रेजी से हिंदुस्तान का बहुत फायदा नहीं होने वाला है और अब बहुत तरफ से जोर पड़ रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम जो है अपनी मातृभाषा में करें। और शब्दावली जो है, देखिए वो तो आम भाषा में प्रचलित हो जाती हैं चीजें, फिर उसको यूज करते हैं लोग और उसको चर्चित हो जाती हैं। और मेरा तो मानना है कि विज्ञान प्रसार है, NCSTC है, फिर अपने हंसराज कॉलेज के जो आचार्य हैं लोग, वो अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के निकालें और उसको प्रचलित करें। क्लिष्ट नहीं होने चाहिए। देखिए बोलने में अगर शब्द जो है भारी होगा तो वो जनता कभी भी पसंद नहीं करती। वैश्विक महामारी, देखिए इतना भारी शब्द है, उसको बोलते बोलते ही आदमी की आधी जान निकल जाती है। तो हल्के शब्द होने चाहिए जो लोग समझ सके। और मैंने बहुत किया है हिंदी में काम,
बहुत किया है, मेरे को 13 साल इतना काम किया मैंने हिंदी में कोई हिसाब नहीं है, और मुझे अपनी हिंदी ऑडियंस बहुत पसंद है। इतने बात बोल के मैं अभी के लिए विराम देता हूँ, और आप लोग ने बात सुनी मेरी, बहुत अच्छा लगा, और मिशन मंगल की बात आई वो मैंने बड़े प्यार से फिल्म देखी थी, हाँ उसमें ढेर सारे साइंटिफिक फैक्ट जो थे वो सही नहीं थे, और अगर किसी फिल्म में किसी साइंस के बंदे को जोड़ा जाता तो शायद उसके फैक्ट सही हो जाते, लेकिन हाँ लोगों ने पसंद किया, हमारे इसरो को लोगों ने सराहा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां तक हो कहीं ना कहीं किसी वैज्ञानिक को अगर वो जोड़ते तो शायद मिशन मंगल और कामयाब हो पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हंसराज परिवार को भी आप पर गर्व होता है सर कि आपकी पत्रकारिता के माध्यम से कैसे जन जन तक एक जागरूकता पहुंच रही है, और कॉलेज के छात्रों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं सर, जो पत्रकारिता की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ प्रोफेसर वीरेन त्यागी सर हैं, जो खुद एक वैज्ञानिक हैं, विज्ञान प्रसार के आप रजिस्ट्रार हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, ये भी जानना चाहूंगा कि क्या विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी में ही संभव है, जैसा कि एक धारणा बना दी गई है कि 12वीं तक तो कुछ एक जो स्टेट बोर्ड्स हैं, राज्य के जो बोर्ड हैं, वहां पे तो आपको हिंदी में 12वीं तक विज्ञान पढ़ने को मिल जाता है। वो भी सर मैं स्वयं विज्ञान का छात्र 12वीं तक रहा हूँ, बहुत ही कठिन भाषा में, मतलब ऐसी हिंदी है या ऐसे उसके अनुवाद कर दिए गए हैं कि बच्चा इंग्लिश पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, विज्ञान के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सर जो हायर एजुकेशन है, जब आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं उच्च शिक्षा में, जब आप बीएससी करने आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय या बड़े विश्वविद्यालयों में, वहां पर जो छात्र विज्ञान की शिक्षा हिंदी में लेना चाहे, बीटेक वो हिंदी में पढ़ करना चाहे, क्या ऐसा संभव है या एक धारणा बना दी गई है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं तमाम ऐसे देश हैं जहां पे उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, और इसराइल के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि उनके 13 लोगों को नोबल मिला विज्ञान में और उनको अंग्रेजी लगभग ना के बराबर आती थी। तो ये सब बातें सर कहां तक सही है, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, मैं जानना चाहूंगा। आप स्वयं एक वैज्ञानिक है सर, इस पे जरूर प्रकाश डालें। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र सर जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी प्रोफेसर रमा पल्लव जी, शुभ्रता जी और आयोग के जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और पहला जो सवाल आपने किया, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा और मेरा स्कूल में मैंने हिंदी माध्यम से ही पढ़ा है, लेकिन मैं अभी जो अंतर देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि जब हमने विज्ञान पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, उस वक्त जो मूल लेखन होता था उन पाठ्य पुस्तकों का भी, वो मूल रूप से लिखी जाती थी, अनुवाद नहीं होता था। आज क्योंकि एक कहें कि एक जैसा जो शिक्षा का जो कहें कि एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि अगर आप छठी क्लास से लेके और 10वीं क्लास तक की जो साइंस की किताब है, 11वीं और 12वीं की भी अगर आप देख लें, तो वो एक कहें कि इतना कठिन अनुवाद किया गया है जिसको कि आप पढ़ ही नहीं सकते, उसमें कोई एक फ्लो नहीं है, और वो एक कहें कि एक सजा जो है एक छात्र के लिए हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो छात्र हैं जब 10वीं से 11वीं और 12वीं में आते हैं तो विज्ञान विषय को नहीं ले पाते, कारण यही रहता है। लेकिन ये एक जो धारणा है, इसको हम बहुत आसानी से, हमारे पास एक नहीं पूरे दुनिया भर के उदाहरण है, साउथ कोरिया का हम देख लें, जापान का हम देख लें, जर्मनी का हम देख लें, फ्रांस का हम देख लें, रशिया का अगर हम पुराने रशिया की हम बात करें, तो जो पूरा विज्ञान है वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता था। आज की तारीख में भी जो बच्चे हमारे मेडिकल के लिए रशिया या और कंट्रीज में जाते हैं, उनको पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहां जो शिक्षा है उनकी उसी भाषा में दी जाती है। तो जब वहां हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे लगता है कि हमने बहुत ही एक कहें कि एक इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं अभाव रहा है, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है उसको एक कहें कि एक इलीट भाषा के रूप में और एक कहें कि किसी की जो जानकारी या कहें कि किसी के अगर ज्ञान की हमें परिकाष्ठा नापनी है तो उसको कितनी अंग्रेजी आती है, सिर्फ
यहीं तक एक कहें कि हमारा जो दिमाग में ये बात घर कर गई है, तो मुझे लगता है कि एक तो इस बात से हमें निकलना पड़ेगा, और दूसरा जो ये था कि आज के विषय के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम शब्दावली आयोग की बात करते हैं और जितने शब्द गढ़े गए हैं उसके पीछे एक एक कहें कि पूरे विश्व में भी ऐसा कुछ चल रहा था, जब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि विज्ञान को हम अपनी मातृभाषाओं में या हिंदी में किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो उसी पे मैं वहां से बात शुरुआत करके मैं आगे चलना चाहूंगा कि खुद एक विज्ञान संचारक होने के नाते, एक विज्ञान लेखक होने के नाते कहाँ कहाँ वो दिक्कतें आती हैं, और क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो जो विज्ञान है किस तरीके से आम आदमी तक वो पहुंचे, सरल भाषा में पहुंचे, उनकी भाषा में पहुंचे, और वहां पर किस तरह की दिक्कतें कभी कभी आई हैं, किस तरीके से हमने उसको कहें कि उसको उस दिक्कत को सामने रखते हुए जो उपाय निकाले, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं एक प्रेजेंट छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से आपके द्वारा आपके पास तक पहुंचाना चाहूंगा। तो मैं ये स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जी तो ये एक्चुअली जब हम तकनीकी शब्दावली की बात करते हैं तो ये अगर आप थोड़ा सा 1950 के दशक में जाएं तो एक विज्ञान को लेके एक बड़ा नकारात्मक जो माहौल है पूरी दुनिया में बन गया था, क्योंकि उसकी वजह से कहा गया था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसने जो कहें कि भयानकता फैलाई, इतने लोग मारे गए, तो विज्ञान को लेके कहीं ना कहीं एक डर हो गया था। लेकिन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी खराब हुई उस वक्त, और ये बात सामने रखी गई कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ही विकास का जो है इंजन बनाया जा सकता है, तो अब ये एक कहें कि एक बड़ी अजीब सी दशा थी कि एक तरफ विज्ञान को बढ़ावा भी देना है, दूसरी तरफ लोगों में डर भी है, तो किस तरीके से वो जो डर है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जब हम एक प्रजातंत्र में विज्ञान की बात करते हैं तो उसका जो पैसा है, रिसर्च का जो पैसा है, लोगों से आता है, सरकार टैक्स लेती है, और उस जो रिसर्च हो रही है या जो दिशा है विज्ञान की उसमें लोगों की सहमति भी चाहिए, और ये तभी संभव हो पाता है जब आम आदमी में विज्ञान की समझ हो, क्योंकि जब जब ये दिक्कत आती है कि अगर आम आदमी में विज्ञान की जो कम से कम न्यूनतम जो समझदारी है वो नहीं होगी तो हमारे साथ बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आज अगर मैं इस डिसीजन को आज के माहौल में परिपेक्ष में इसको बात करूं कि जब इतनी सारी हम कहें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके विभिन्न जो उत्पाद हैं हमारे घरों तक टीवी के माध्यम से पहुंच रहे, हमें पता नहीं लगता है कि वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिक तरीके से देखा परखा गया है, पूर्णतः वैज्ञानिक है, लेकिन क्या उसमें विज्ञान है? ये तभी संभव होगा जब आम नागरिक में कम से कम न्यूनतम विज्ञान की जानकारी हो, और ये तभी संभव है, वो जानकारी वो किसी भी आयु वर्ग का है, किसी भी व्यवसाय में है, किसी भी कहें कि धर्म जाति या कहें कि कुछ भी उसने विषय पढ़ा है, उसको विज्ञान पहुंचाना उसकी भाषा में या उस वैसे माध्यमों से वो पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसीलिए जो विज्ञान का आज की तारीख में जो लोकप्रियकरण है वो बहुत जरूरी हो गया, और खासकर आम जन की भाषा में, क्योंकि अगर मैं फिर आपको 1950 में एक सीपी स्नो के बारे में एक जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने एक मत दिया था कि एक विज्ञान का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अलग है, और जो आम जन की जो संस्कृति है वो अलग है, दोनों को एक दूसरे के समझना चाहिए और जो उसमें जो अंतर है उसको भरना चाहिए, और वो अंतर भरने की दिशा में ही विज्ञान लोकप्रियकरण के जो कार्यक्रम है या कहें कि एक प्रयास पूरी दुनिया में शुरू हुआ था, जिसमें एक विज्ञान शिक्षा भी शामिल थी और जन मानस में कैसे विज्ञान की समझ या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाया जाए, जिसके तहत ही जितनी भी हम देखते हैं शैक्षिक संस्थाएं हैं या तकनीकी आयोग के बारे में अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी दुनिया में जो ये चल रहा था उसके मद्देनजर हमारी भी जरूरतें थी, ये प्रयास जो है भारतवर्ष में हुए, और उसमें ये अवधारणा यही हुई कि विज्ञान को अपनी भाषा में जो वो लोग समझते हैं उस तक पहुंचा जाए, और वो भी उन माध्यमों से, उन संचार माध्यमों से जिनसे वो परिचित हो। आप देख सकते हैं कि टेलीविजन है, रेडियो है, आप दो दिन से वो डिस्कशन सुन ही रहे हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे कहें कि लोक माध्यम है उनके द्वारा भी विज्ञान प्रसार और जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद है वो इन सभी माध्यमों का बहुत दिनों से हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत हुई है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है आपकी? ये जी आवाज आ रही है। जी जी, आप कंटिन्यू रखें सर। मैं हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा तो एक बार दोबारा से जाते हैं हम लोग। विनेंद्र सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ये जरूरत थी वो पैदा हुई और बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने अपने तरीके के प्रयास किए। लेकिन जब एक विज्ञान संचारक होते के नाते हम देखें जो विज्ञान संचार आज की तारीख में जो स्थिति है वो दो तरीके का है। एक वो जो वैज्ञानिकों ने सर, आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा जी ये हाँ आ गया है क्या? जी जी आ गया। आ गया सर, आ गया। एक्चुअली ये यहाँ से मेरे से हाँ जी। तो आज जो स्वरूप है विज्ञान संचार का हम देखें कि एक वो विज्ञान एक वो संचार है जो जो वैज्ञानिक समुदाय के भीतर होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो तकनीकी जो जर्नल्स हैं वो आती हैं जिसमें कि एक बहुत ही टेक्निकल कहेंगे जो तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो कहते हैं कि अंधे की क्या गूंगे की भाषा गूंगे की माँ जाने वाली बात है। तो वो जो तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल होता है वो एक वैज्ञानिक और दूसरे वैज्ञानिक में जो संवाद होता है वो ही समझ सकते हैं। लेकिन एक अर्ध तकनीकी संचार भी है जिसमें कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि नेचर जो मैगजीन है जो ब्रिटेन से निकलती है उसको वो एक अर्ध तकनीकी संचार माध्यम के रूप में कहें कि एक पत्रिका के रूप में ले सकते हैं जिसमें ना वो पूर्णतः कहें कि तकनीकी है और ना ही बिल्कुल एक कहें कि जो आम जन की भाषा में है वो बीच में आती है। और तीसरा है आम लोगों से संवाद। इसके अलावा हम देखते हैं कि विज्ञान की पढ़ाई है वो भी एक विज्ञान संचार का तरीका है और बच्चों के लिए विज्ञान संचार यानी कि हमें जब बच्चों के बीच में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना चाहता है जैसा कि मैडम शुभता जी ने कहा कि फिल्में हैं या टेलीविजन के सीरियल हैं उनके माध्यम से और लोकप्रिय संचार जो विज्ञान प्रगति जैसी जिसमें पल्लव बागला जी के अनुभव उस पत्रिका में भी रहे और उसके बाद भी उन्होंने जो फील्ड में काम किया और विज्ञान पत्रकारिता और फिर एक जो खास समुदाय जैसे महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है या कहें कि एक एक एक, एक खास किस्म के उद्योग में काम करने वाले कर्मी उनको किस तरीके के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं तो अगर उनके बीच संचार करना है तो वो एक अलग किस्म का संचार होगा, उसमें अलग तरीके होंगे, अलग माध्यम होंगे। तो ये आज की तारीख में हम देखते हैं कि विज्ञान संचार के स्वरूप हैं और इसमें जो एक और जो कहूँ बहुत इम्पोर्टेंट जो एक कही कि बहुत रिपोर्ट थी जो 1984 में अगेन वो ब्रिटेन से ही आई थी लेकिन उसका प्रभाव हमारे विज्ञान संचार के जो नीति बनी या निदान या कहेंगे जो संस्थाएं बनी उस पर बहुत पड़ा कि जो विज्ञान संचार को के किसके लिए होना चाहिए। तो उसमें वैज्ञानिकों के बीच में तो होता है वो ऑलरेडी एक कहें कि एक, एक एक बहुत परिपाटी उसकी जो है वो स्थापित हो चुकी है लेकिन जो हमारे नीति निर्धारक है उसका एक उदाहरण अमेरिका में का हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो सरकार का जो हमारा कहें कि जो हेड है अगर उसको विज्ञान की या जो चीज की उतनी समझ नहीं है तो क्या नतीजे हो सकते हैं। कि जब कोरोना की बात हुई थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि इतने लोग हमारे जो साधारण जो फ्लू होता है उससे मर जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। और आज हम देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन जैसे जो तरीके हमने अपनाए थे वो वहां काफी देर बाद हुए तो अमेरिका की हालत हम देख सकते हैं क्या है। इसके बाद मीडिया समूह यानी कि जो हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वहां भी हम देखते हैं कि जो ज्यादातर रिपोर्टर है पल्लव बागला जी एक एक्सेप्शन है जो डिफरेंट उन्होंने मीडियम में काम किया और उन्होंने साइंस भी पढ़ा था। ज्यादातर जो लोग कहें कि मीडिया समूह में है उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा वो
उसका एक रूप आप अब चाहे तो जो भी विज्ञान की रिपोर्टिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे होती है वो देख सकते हैं कि किस अर्थ का किस तरीके से अनर्थ जो है वहां पे किया जा सकता है। और फिर इंडस्ट्री उद्योग के लिए, क्योंकि अगर जो नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो उद्योगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि जो हम इसको साइंस और टेक्नोलॉजी को जो हम आर्थिक कहें कि विकास का जो इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा और सामान्य जनता की बात हो गई। तो आज हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक कहें कि संचार माध्यम है और इन सब में जो सबसे मुख्य बात आती है वो वही आती है कि आपको एक उसके लिए आलेख लिखना ही पड़ेगा, उसमें तकनीकी शब्दों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और वहां पर एक जो कश्मकश चलती है वो ये कि एक सरकारी संस्था में होने के नाते एक ये कहीं की दबाव रहता है कि जो तकनीकी शब्दावली की जो डिक्शनरी है उसमें जो शब्द है उसका उपयोग किया जाए, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो डिक्शनरी में आने से पहले ही इतने लोकप्रिय हो गए कि उनको अगर हम अब इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो उतने प्रचलित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर की हम बात करें तो उसका जो शब्द सुझाया गया था वो संगणक सुझाया गया है। तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि जो छोटे बच्चे भी हैं वो कंप्यूटर तो बहुत आसानी से बोल पाएंगे, लेकिन संगणक ये जो हमारा कहें कि एक हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने शब्द गढ़े और उसमें जो उस जो हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत का पुट हो वहां पे आगे मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको प्रचलन में लाना थोड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से एक पत्रिका निकलती है ड्रीम 2047 और उसमें एक 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 लेख छपा था डिटर्जेंट के ऊपर। तो जब उसका मैंने हिंदी अनुवाद देखा तो उसमें लिखा था अपमार्जक, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहें कि बहुत रोचक कहानी डिटर्जेंट की है कि जब अलाइड फोर्सेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समुद्र के जो कोस्टल एरिया है वहां पर पहुंचे थे तो कपड़े जब धोए जाते थे समुद्र के पानी से तो साफ नहीं होते, तो वहां पे एक जरूरत उभरी और ये डिटर्जेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट सामने आया और वो बना। लेकिन उसका जो अगर हम हिंदी शब्द देखें वो अपमार्जक है, यानी कि मुझे भी टेक्निकल जो तकनीकी डिक्शनरी को देखना पड़ा कि ये अपमार्जक शब्द है क्या। तो ये कुछ व्यवहारिक कहें कि हमारे साथ दिक्कतें हैं जो हम देखते हैं और हम पीढ़ियों से जो एक दूसरी बात जो हिंदी भाषा को लेके हमारे अगर हम शिक्षा की अगर बात करें तो जब हमने स्कूल में पढ़ाई करी थी तो हमारे को 3-4 किताबें हिंदी साहित्य की प्रस्ताव की और व्याकरण की और उसमें एक एक कहीं उपन्यास भी होता था, एक कविताओं का कहीं पूरा संग्रह होता था जिससे हमारी वो शब्दावली और वो और कहें कि उसका उच्चारण जो है वो साफ होता चला आया। आज की तारीख में हम देखेंगे हिंदी को पढ़ना बोलना एक 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 गवारूपन का एक कहें कि वो एक एक पर्याय बन गया है। तो ये भाषा की जो जो कहें कि हम अपनी भाषा को नए तरीके से उसको कहें कि हम अगर नकार रहे हैं तो और दिक्कत यहीं पे आती है। पल्लव जी ने जैसे कहा कि विचार हमारा हिंदी में आता है फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो ना हिंदी रह जाता है ना इंग्लिश रह जाता है। ये बहुत बार हमारा जो है कहें कि एक व्यवहारिक अनुभव रहा है। तो मेरा जो अनुभव रहा वो यही कि हमारा जो जो आयोग के जो 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 प्रयास है बहुत सार्थक होते हैं किंतु वो सुनिश्चित नहीं कर पाते कि वो जो शब्द उन्होंने गढ़ा है वो जो शब्दावली जो उन्होंने बनाई है उसमें जो शब्द है वो आम जनता में स्वीकार होंगे कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगा कि अभी क्योंकि ये एक शब्द आ रहा था हर्ड इम्यूनिटी, इसका कोई पर्याय हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर बात यही आती है कि अब यहाँ पे उसका कहें कि हम इसको इस कठिनाई को सुलझाएं कैसे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे बाकी देशों में खासकर मैं उदाहरण साउथ कोरिया का दक्षिण कोरिया का देना चाहूंगा जहां पर कि जो
विज्ञान की जो टर्मिनोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो रोमन में है या अंग्रेजी में है, अगर शब्द पहले से उस भाषा में नहीं है तो क्यों ना नहीं उस भाषा को एज इट इज उस भाषा में ले लिया जाए, क्योंकि और हिंदी में, हिंदी भाषा में ये कहें कि ये उसकी जो परिकास्ट है वो यही है कि वो हर भाषा को अपने में समाहित कर सकती है और कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे मैं रिक्शे में बैठा तो रिक्शे के आगे एक पत्थर आ गया, तो रिक्शा जो लगता है कि वो पलटते हुए बचा, तो मैंने उसको बोला कि भैया जरा आराम से चलो, तो उसने एक शब्द इस्तेमाल किया कि देखिए भाई जी नर्वसाइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। तो यानी कि नर्वसनेस को हिंदी में कितने अच्छे तरीके से शामिल कर लिया हिंदी की ग्रामर लगाते हुए। तो क्या और कुछ, क्योंकि अगर शब्द एक फिल्म में भी आ चुका है, फिल्म में गाने में ये टर्म आ चुकी है जी, ये काम पता नहीं है मेरे साथ तो ये मतलब मेरा अपना अनुभव है, तो मुझे लगता है कि और दूसरा कि उस शब्द को या तो हम प्रचलित करें विभिन्न तरीकों से, जैसे यहाँ पर ये था कि ये कार्टून के जरिए मैंने कोशिश करी कि जो झुंड प्रतिरक्षा एक फिर वैसा ही वर्ड हो जाता है कि जो, क्योंकि जो अखबार में छप रहा है जो लोगों के दिमाग में जा रहा है वो हर्ड इम्यूनिटी है वर्ड, अगर मैं उसको झुंड प्रतिरक्षा कहता हूँ तो एक नया शब्द फिर उसका कहें कि अर्थ ढूंढना उनके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये जो व्यवहारिक कठिनाई है वो मैं झारखंड के जो आदिवासी बच्चे हैं उनके साथ जो हमने प्रयोग किया था उनको तीन भाषा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि और वो उतनी ही उनको कठिनाई आती है जितनी, क्योंकि एक शब्द उनकी भाषा में है लेकिन वो भाषा वहाँ भाषा स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो उस शब्द का पहले जो है हिंदी का जो पर्याय ढूंढा जाता है तो वो भी उस बच्चे को याद करना पड़ता है, तो उसको और फिर अंग्रेजी में भी उसको तिगनी मेहनत एक शब्द को करने के लिए हो जाती है। तो इस क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण था कि बच्चे स्कूल जाने स्कूल पूरा नहीं करते घर बैठ जाते, तो ये दिक्कत को किस तरीके से हटाया जाए, तो इसका जो उदाहरण जो था वो एक यही है कि और फिर एक चीज और आती है कि जो अलग अलग भाषाएं, एक जो बहुत ही रोचक उदाहरण मुझे मिला वो ये गुजराती भाषा में मिला। हिंदी में हम अणु को जो एटम को हम अणु कहते हैं, वहां उसको वो परमाणु कहते हैं गुजराती भाषा में, शायद मराठी में भी ऐसा ही है। तो ये भी हम देखते हैं कि जो प्रसंग जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो तकनीकी शिक्षा और जो तकनीकी विज्ञान लेखन है जो हम अनुसंधान पत्रिकाओं के लिए जो हम लेख लिखते हैं उसमें जो जो कहें कि मानक शब्दावली आयोग ने जो शब्द दिए हैं उसका हमें इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन जब हम लोकप्रिय विज्ञान संचार की बात करते हैं, विज्ञान पत्रकारिता की बात करते हैं और बच्चों के लिए विज्ञान के लिए आम भाषा का उपयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें क्योंकि वो शब्द जैसे कठिन शब्द का इस्तेमाल ना करा जाए, जो कहे प्रचलित शब्द है जो आसानी से समझे जा सके उन्हीं का उपयोग किया जाए, क्योंकि मैं गालिब साहब का एक शेर है कि हालांकि इसमें मुझे पूरा अभी कंफर्म नहीं हूं कि ये गालिब साहब का ही है शेर, लेकिन ये था कि मगज को बाग में जाने ना दीजिए क्या ना नाहक खून परवानों का होगा, यानी कि मगज मतलब मधुमक्खी, वो शेर का मतलब ये है कि मधुमक्खी को बाग में मत जाने देना, नाहक परवानों का खून होगा यानी जो परवाने हैं वो खामखा मरेंगे। तो यहाँ पे जो बीच में जो लाइन है यानी कि मगज मीन्स मधुमक्खी बाग में जाएगी, वो शहद बनाएगी तो मोम भी बनाएगी, मोम बनेगा तो उसकी मोमबत्ती बनेगी तो वो मोम वो जलेगी और जलेगी तो परवाने आएंगे और परवाने आएंगे तो जल के मरेंगे, यानी कि जो बीच में जो बात है वो इसमें से गायब है। तो इसको देखते हुए अलग शाह आयश साहब ने कहा था कि अगर आपने कहा और आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का तब है कि एक कहे और दूसरा समझे। तो विज्ञान संचार ऐसा होना चाहिए उसमें
जो भाषा है भाषा आड़े नहीं आती है अगर वो मूल लेखन के रूप में किया जाता है। भाषा की दिक्कत, शब्दों की दिक्कत तभी आती है जब हम हमारा जो लेखन है वो मूल लेखन ना होके कहें कि उसको जो अनुवाद होता है तो तब ये दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लेखक हैं जब जो आम जनता के लिए विज्ञान को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो अगर मूल लेखन शुरू करेंगे तो शब्दों की कमी बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार फिर मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी समर गाथा शायद वो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे वैज्ञानिक अनुभवों को या वैज्ञानिक तथ्यों को कहा गया है और बिना किसी भाषाई अभाव के। तो मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि अगर हम विज्ञान लेखन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो शब्द हमें मानक शब्द हमने गढ़ लिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। जो शब्द पहले से प्रचलित हैं जिनको लोग एक अपने आप से जोड़ सकते हैं देख सकते हैं उन्हीं शब्दों के इस्तेमाल के साथ हम करेंगे तो हमारा जो विज्ञान को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है जो हमारे कहीं संविधान में भी उसकी बात कही गई है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर भाषा में एक साहित्यिक फूट आपने देते हुए सर अपनी बात रखी। सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके उस शेर को ही अगर मैं दोहराऊं कि मजा कहने का तब है कि आप कहें और दूसरा समझे। तो बिल्कुल आपकी बात मुझे लगता है कि प्रतिभागी को बहुत अच्छे से समझ में आई, सब कन्विंस भी हुए और बहुत आपने जरूरी सवाल उठाया सर कि अपनी भाषा में हम कैसे प्रसार करें विज्ञान के शिक्षा का, विज्ञान के साहित्य का और विज्ञान के प्रति रुचि किस रूप में बढ़े। तो इन सवाल भी ढेर सारे सवाल भी आते जा रहे हैं, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में भी मैं देख रहा हूँ, लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जैसे एक महोदय उन्होंने कहा है कि वो चीन गए थे और चीन में पीएचडी की थीसिस विज्ञान में तब तक जमा नहीं होती जब तक पूरा सार आपने उनकी अपनी चाइनीज में ना लिखा हो। ऐसे उन्होंने तमाम देशों का एग्जाम्पल दिया है। तो अब हमारे साथ प्रोफेसर आर के शर्मा सर जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्हें तमाम पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, वो भी विज्ञान प्रसार से जुड़े रहे हैं, ग्रीन केमिस्ट्री संस्था के वो संयोजक हैं, उन्होंने किताब कई किताबें भी लिखी हैं, अभी एक हिंदी में भी उन्होंने हरित रसायन पर किताब लिखी है, मुझे दिखा भी रहे थे सर। तो अब मैं सर को आमंत्रित करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि सर भी इस विषय पर प्रकाश डालें। उन्होंने भी पीजी के बच्चों को, जो परस्नातक के बच्चे हैं विज्ञान में, जो एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जो बीएससी कर रहे हैं, उन सबको आपने पढ़ाया है, आपके अंदर पीएचडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कैसे जरूरी नहीं कि हिंदी में ही, हमारी अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो उपभाषाएं हैं उनमें कैसे हम विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दें। तो सर से निवेदन है कि सर इस विषय पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, प्रोफेसर आर के शर्मा जी। थैंक यू प्रोवांशु। और सर का कैमरा ऑफ है? हाँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर रामा का जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस वेब गोष्ठी में। सबसे डिफिकल्ट काम मेरा है बिकॉज मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रसायन विभाग में प्रोफेसर हूँ और कैसे स्टूडेंट्स को, कैसे विद्यार्थियों को हम हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, कम से कम रसायन शास्त्र। और मैं अपने अनुभव भी आपसे शेयर करूंगा। जैसे प्रोफेसर त्यागी भी कह रहे थे कि जापान में, जब मैं जापान में विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ एक साल, और मैंने देखा है कि वहाँ सिर्फ 12th या 10th या इसमें ही नहीं बल्कि बीएससी और एमएससी की बुक्स भी जापानीज लैंग्वेज, तो इसलिए वहाँ वो सारा पिकअप कर लेते हैं। बट यहाँ जब बच्चा शुरू में, जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे, जब स्टूडेंट आता है और वो 10th 12th और सब इंग्लिश में देखता है, आगे भी इंग्लिश में देखता है,
उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे ये क्रिया हो रही है, और इसलिए वो या तो छोड़ देता है या फिर रटता है। वही चीज अगर हम अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में अगर बुक्स हो, अवेलेबल हो और वो उनसे पढ़े, तो इसके लिए मैं जरा एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करना चाहता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप? नहीं सर, अभी नहीं आया। अमित जी वहां से लाउ करें जरा। हाँ, अच्छा, ऑन है, ऑन है इधर से। वहां से ऑन है, आप देखें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा सर। हाँ, आ गया, स्टार्ट हो गया सर, स्टार्ट हो गया। सर आप प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन है कि मैं रसायन विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है सर। जो स्क्रीन आप शेयर करते हैं सर, उस वाली फाइल को क्लिक करें। हाँ, अब आ रहा है। आ गया सर, आ गया, आ गया। तो जैसा कि हमें मालूम है कि विज्ञान हमारे जीवन में सर्वत्र व्याप्त है, और आज हमारा जीवन विज्ञान के बिना संभव नहीं, तो कोई नहीं होती। हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान का भूतपूर्व योगदान है, और ये रसायन विज्ञानी है जिसके कारण हमारा औसतन जीवन जो पहले 41 साल था अब 70 से ऊपर है। रसायन विज्ञान की वजह से हमें बहुत सी चीजें मिली हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, जल शुद्धिकरण, वस्त्र उद्योग, कृषि, खाद्य सामग्री, घरेलू उपकरण, ईंधन, साबुन, डिटर्जेंट। बट होता क्या है कि जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर चीज की बुरी है। तो मैं ग्रीन केमिस्ट्री का और हरित रसायन का काफी हमारे यहाँ एक सेंटर भी है, जो हम नेटवर्क भी एक बना रखा है, उसको पॉपुलराइज करते हैं। तो केमिस्ट्री के दुरुपयोग भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और एक विकल्प जो हमने बताया है वो है ग्रीन केमिस्ट्री और या हरित रसायन। एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है वो जनसंख्या की है, जो आप देख सकते हैं जनसंख्या एक स्टेट की, राजस्थान यूके की जनसंख्या, तो ये जनसंख्या की वृद्धि बहुत सीरियस, बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि प्रकृति हमें संपदा देती है, हम संपदा यूज करते हैं और फिर कचरा प्रोड्यूस करते हैं, प्रकृति फिर वो कचरे को संपदा में कन्वर्ट करती है, और इस तरह से साइकिल, ये चक्र चलता रहता है। बट क्योंकि जनसंख्या की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप संपदा हम यूज कर रहे हैं और कचरे में कन्वर्ट। हमने ये प्रॉब्लम कई बार दूरदर्शन पे भी लाइव शो में डिस्कस की है, और ये बताया कि कैसे ग्रीन केमिस्ट्री और हरित रसायन इसमें यूज। हमारा जो नेटवर्क सेंटर है वो कई चीजों पे काम कर रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट विद्यालयों से, और हम शैक्षिक सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, और हम ग्रीन केमिस्ट्री की सामग्री को भी अनुवादित कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस में या हिंदी में। जैसे ये एक बुक है जो हमने एक अनुवाद किया है हिंदी, ग्रीन केमिस्ट्री को
मेंटेन करने के लिए परिवार करने के लिए हम इस को भी जाते हैं की बातचीत या रीजनल सेंटर्स में जाते हैं हम वहाँ हम ये दिखाते हैं यहाँ के कि देखो सेम जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो ट्रेडिशनल है उसको सेम एक्सपेरिमेंट को कैसे करिए। इसके अलावा हमने ये पॉपुलराइजेशन इसका उसको लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री हम बहुत पहले कहा था ना कि उसको बढ़ाएंगे तो हम वहां से कुछ दीवाने से कह रहे थे तो हटा दो उस समय पब्लिक थी हटा दो नहीं बहुत लाइटली ले रहे थे लेकिन हमने उसकी यूजफुलनेस उसको उसमें हम कोशिश करते रहे उसको लोकप्रिय करने की और ये गांधी जी के ये शब्द हमें हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि पहले वे आपको अनदेखा करते हैं फिर वे आप पर हंसते हैं फिर वे आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते तो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु हमारे प्रयास बहुत रहे हमने कंट्री के हर गए और हम स्कूल्स में गए इसको लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री रसायन ये स्कूल दिल्ली के स्कूल और जो गांव के थे स्टूडेंट्स के लिए शिक्षकों के लिए और औद्योगिक इंडस्ट्रीज के ये आप देख सकते हैं 2009, 2010, 2011, 2015 इसमें जो समापन समारोह था उसमें अब जो विज्ञान और तकनीकी विभाग के सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा उनका व्याख्यान हुआ था उसमें हम देश के हर भाग में जा रहे हैं और ये इसका प्रचार कर रहे हैं यू कैन सी ये आप देख सकते हैं नागपुर आसाम पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश मिजोरम इवन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल बिहार केरला हिमाचल प्रदेश राजस्थान उदयपुर जयपुर जयपुर जलंधर पंजाब और हम उन्हें बता रहे हैं कि ये ग्रीन केमिस्ट्री क्या है क्या हम उसे कैसे परिभाषित करेंगे उन्हें बता रहे हैं हम कि ये हरित रसायन उन रासायनिक पदार्थों व प्रक्रियाओं का उपयोग एवं विकास पर जोर देता है जिसमें जहरीले प्रदूषक कारक पदार्थों का उपयोग एवं उत्पादन ना हो या न्यूनतम और ये फादर ऑफ ग्रीन तो हम बता रहे हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री पर्यावरण रसायन से भिन्न क्यों है हम उन्हें 12 मूल सिद्धांत भी बता रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री की इवन हम इंग्लिश में भी बुक पब्लिश कर रहे हैं वर्ल्ड साइंटिफिक पब्लिशर्स की ये अभी बाइले से हमारी बुक आई है ग्रीन केमिस्ट्री की बट यू नो ये हमने इंडस्ट्री के लिए लिखी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इवन हमारे जो एक स्टूडेंट चैप्टर है उनकी एक्टिविटी के लिए हमें अवार्ड भी मिला है जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोसाइटी है केमिस्ट्री की उन्होंने दिया अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे आगे कठिनाई आती है कि हम जो इंटीरियर में गांव में या लोकल उसमें जाते हैं तो उन्हें कैसे हम बताएं तो उसके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि भारत की 66% आबादी जो है वो गांव में है और वहां हम कैसे ये जैसे जो विद्यार्थी वो ये सीखे कि इस तरह से भी साइंस हो सकती है विज्ञान एक इस तरह से भी हो सकता है जिससे जो वो किसी भी जॉब में जाए
और इसको कम से कम दिमाग में रखे और उसका यूज करे। तो ये हमने एक रिलीज की एक जो बुक है, तो ये हमारे एक एक्टिविटीज थी। तो मैं फिर वापस आता हूँ तकनीकी शब्दावली। एक्चुअली तकनीकी शब्दावली और प्रौद्योगिक हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, और विज्ञान के विकास के साथ साथ इसमें नए शब्दों सहित तकनीकी शब्दावली का समावेश होता चला गया। तकनीकी शब्दावली वैज्ञानिकों और विद्वानों की भाषा का एक अंग है, जो उनके अपनी व्यवसायिक या कार्य संबंधी गतिविधियों को संदर्भित की जाती है। हालांकि वैज्ञानिक विज्ञान को समझने में सहायता प्रदान करती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों की जटिलता। जटिल होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी शुरू में ही हार मान लेते हैं और उन्हें लगता है ये विषय बहुत कठिन। अतः इसके लिए आवश्यक है कि इन जटिल शब्दों का हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सरल अनुवाद किया तथा भारतीय भाषाओं में अनुवाद के पश्चात इनका सरलीकरण किया जाए, अन्यथा कई ऐसे वैज्ञानिक शब्द हैं जिनका हिंदी में उच्चारण करना एक शिक्षक के लिए भी मुश्किल, अतः अनुवाद के पश्चात उनका सरलीकरण आवश्यक है। साथ ही विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन साधारण में उनके प्रति समझ विकसित करने के लिए इन शब्दावलियों का लोकप्रिय करना आवश्यक। आपने ये बना ली शब्दावली लोकप्रिय नहीं तो अतः विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों कार्यशालाओं संगोष्ठियों द्वारा इनका प्रचार में भी मैं चाहता हूँ कि हमने एक जो नेटवर्क बना रखा है उसमें जो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम ऐसी साइंस को प्रोत्साहित करें वो हमारे मेंबर बन सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री नेटवर्क सेंटर के और हमें हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रवांशु। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुछ अपने अनुभवों को भी बताया हमें और व्यवहारिक जरूरतों की तरफ भी आपने इशारा किया कि हम कैसे आमजन से आमजन तक विज्ञान के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है वो प्रश्न और उत्तर का है। मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारे सवाल आते जा रहे हैं। पल्लव सर मेरे ख्याल सभी हम से जुड़े हुए हैं, बीरेन जी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ से कई सवाल आए हैं, जो महत्वपूर्ण एक सवाल मुझे दिख रहा है वो यह है कि किस तरीके की व्यवहारिक दिक्कत है अपनी शिक्षा अपनी भाषा में विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कि सिर्फ अब तक बातें होती रही हैं लेकिन कोई इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम भाषा से प्यार करते हैं बात करते हैं लेकिन जब उस शिक्षा की बात आती है तो फिर उस पर कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है। तो क्या व्यवहारिक दिक्कत है और कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं? आप में से जो भी जवाब देना चाहें। प्रवांशु सर आपका माइक बंद, प्रोफेसर त्यागी जी का माइक। देखिए ऐसा है कि हमने एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी एक इच्छा शक्ति कहीं से मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है उसमें, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा क्योंकि विज्ञान लोकप्रियकरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद का एक कार्यक्रम है जिसको बाल विज्ञान कांग्रेस जो है लगभग अभी 25-26 साल हो गए जो प्रोग्राम पूरे देश भर में चलाया जाता है, जिसमें सिर्फ यही कि जो विज्ञान हमने कक्षा में पढ़ा है क्लासरूम में पढ़ा है उसकी क्या व्यवहारिक उपयोगिता हो सकती है, वो हमारे समाज के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं और उसमें जो उन्हें कहें कि एक जो आजादी दी गई है वो यही आजादी दी गई है कि क्या कि वो अपनी भाषा में वो प्रोजेक्ट लिख सकते हैं कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये मेरा खुद का ये अनुभव रहा है क्योंकि एक स्कूल तक हमने जो विज्ञान की पढ़ाई है वो हिंदी में करी और फिर जब कॉलेज में आए तो वहाँ पे जो माहौल ही बिल्कुल अलग था, हिंदी में तो मतलब आप एग्जाम दे ही नहीं सकते थे।
ऐसा कोई उसमें कहीं कि वो प्रोविजन ही नहीं था। तो आपको आपको पूरा एक साल मुझे लगता है कि मुझे लगा वो उस भाषा को उस माहौल में ढलने के लिए और नए शब्द जो है सीखने के लिए, नई शब्दावली अपनाने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो बच्चे अपनी भाषा में विज्ञान पढ़ते हैं और जब वो एक कहीं कि उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज स्तर पर जाते हैं तो ये दिक्कत आती है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना विषय बदल लेते हैं। जैसा कि अभी प्रोफेसर शर्मा भी बता रहे थे कि साउथ कोरिया का मेरा अपना अनुभव है, वहाँ सारी किताबें जो है उनकी अपनी अपनी भाषा में है। उन्होंने शब्द जो है जो जो नए रिसर्च पेपर में जो शब्द जो है टेक्निकल शब्द जो है तकनीकी शब्द जो गढ़े जाते हैं वो जैसे हैं उसी रूप में उठाकर उनको उनको जो है समाहित कर लिया जाता है। तो ये हम क्यों नहीं करते, क्योंकि भाषा तो एक माध्यम ही है ना। हम उसको इतना कहें कि उसको एक इतना इमोशनल लेवल पे क्यों हम ले आते हैं कि विज्ञान और भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा एक एक माध्यम है, वो अपने आप में वो उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है। तो विज्ञान को अगर समझना है, और क्योंकि ये प्रयोग इस प्रयोग से मैंने ये देखा कि जो हमारे छोटे शहरों से छोटे गांव के कहें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनके जो विचार है, उनके जो आइडियाज हैं वो इतने नए होते हैं कि मैं मतलब लगता है कि अगर ये विज्ञान की और मूलभूत समझ इनकी बढ़ा दी जाए तो जो हम नवाचार की बात कर रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, उसको उस उद्देश्य तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। अब यही दिक्कत आती है कि जो भी विज्ञान हम पढ़ते हैं वो उसकी जो पुस्तकें हैं उसका जो परिपेक्ष है वो हिंदुस्तान का तो नहीं है, उसमें भारतीयता तो नहीं होती। तो मैं यहाँ बैठ के अमेरिका के बारे में सोचता हूँ, यूरोप के बारे में सोचता हूँ। तो अगर यही कारण है कि आप देखें कि हमारे कितने बच्चे हैं जो विज्ञान पढ़ते हैं जिसके ऊपर हमारी सरकार पैसा खर्च करती है, वो दूसरे देशों में जाके नौकरियां करते हैं या वहां विज्ञान कर रहे हैं। हालांकि विज्ञान जो है वो तो एक कहेंगे मून जाति का कहें कि मानव जाति के लिए है, लेकिन आज जिस तरीके से जो विज्ञान है, जो 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 अनुसंधान है, वो जो है एक कहें कि निजी क्षेत्र में चले गया। पहले जो जो अनुसंधान होता था वो सरकारी क्षेत्र में होता था, अभी निजी क्षेत्र में चले गया है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो ब, 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 जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात आती है, तो उस अवस्था में हम देखते हैं कि हम एक एक बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस करते हैं कि एक रिसोर्स एक एक संसाधन जो हमने तैयार किया उसका फायदा कोई और उठा रहा है, और उसी संसाधन से जो ज्ञान है, जो जो प्रौद्योगिकी है जो मिल रही है वो हमें खरीदनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये एक कुचक्र है जिसको कहीं ना कहीं हमें एक भाषाई स्तर पर विज्ञान को आम छात्र की पहुँच तक बनाने के लिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, और मूल विज्ञान को हम मुझे लगता है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, और कॉलेज स्तर पे जहां तक संभव हो। जब हम रिसर्च करते हैं, जैसा कि आपने कहा जापान में भी देखा होगा, जापान क्या हिंदी में हम देखने की जितनी भी हमारी तकनीकी जो अनुसंधान पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें भी हमारा जो कहीं के जो मुख्य जो आलेख होता है वो हिंदी में होता है, लेकिन जो उसका सारांश है, जो सिनॉप्सिस है या जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। तो लेकिन जो इसमें व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं, मान लीजिए कोई छात्र है वो पीएचडी अपनी करता है और हिंदी में वो अपना जो शोध है वो उसको लिखना चाहता है और सबमिट करना चाहता है, तो उसमें दिक्कत यही आती है कि उसको उसका मूल्यांकन कौन करेगा, कि जो उस विज्ञान को या तो उसी उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति के पास हो। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि एक शायद जो हमारा जो रिव्यू के लिए जो थीसिस एक कॉपी जाती है वो किसी बाहरी देश के किसी कहें कि अध्यापक के पास जाती है, तो उसको अगर वो भाषा नहीं आएगी तो कैसे होगा। तो ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको हम उससे हम गुजर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति हो जाएगी हमें विज्ञान जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ना है।
इसके लिए हमें जो अनुवाद की बैसाखी नहीं चली, क्योंकि आप एनसीईआरटी की किताबें उठा लीजिए, आप पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको वो पढ़ने से विज्ञान से अगर आपको नफरत ना हो जाए तो मुझे आप जो सजा देना चाहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है विज्ञान संचारक होने के नाते। मैं सोचता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या भाषा इस्तेमाल की गई है, तो वो पढ़ने के बाद इतना अनुभव होने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं उसको पचा नहीं पाता या उस पर जो मेरा इंटरेस्ट है उसको सस्टेन नहीं कर पाता। तो उस बच्चे की सोचिए जो अभी 10 साल का है या 15 साल का है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे कहीं की अंतराल है जिसको हमें बहुत कहीं एक प्राथमिक स्तर पर इस बिंदु पर सोचना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। अनुवाद की वैसाखी के सहारे विज्ञान नहीं चलेगा। आरके शर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ प्रवांशु, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो गांव में है, तो लेकिन उनके पास बुक्स नहीं, उनके पास मटेरियल नहीं है, जैसा प्रोफेसर त्यागी भी कह रहे थे। और यहाँ आके हमारा सारा इंग्लिश में है, हमारी किताबें इंग्लिश में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे जापान में भी मैंने देखा है तब होती है जब हमें पब्लिश करना पड़ता है रिसर्च पर, और उस समय जितने भी टॉप रैंकिंग जर्नल्स हैं वो सब इंग्लिश के, तो उन्हें भी इंग्लिश सीखनी पड़ती है, बट उन्हें साइंस क्लियर होती है क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेज में सब दी। तो इस तरह से ज्ञान प्रगति करता है वहां पे। यहाँ क्या है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है शुरू में ही कि है क्या, रटता है उसकी वजह उस पर दाम दे देता है। पल्लव सर आ रहे हैं आपके पास। बोलो साहब। जी जी पल्लव सर, क्या पल्लव सर? जी जी जी, मेरे को जहां तक ख्याल है यहाँ के जो वक्ता हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अनुमान होगा कि एक नई साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी बन रही है हिंदुस्तान के लिए। COVID-19 के बाद किस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करा जाए उस पर एक नई पूरी पॉलिसी बन रही है, और उसमें एक विज्ञान संचार पे कुछ ना कुछ अंश आएगा। और गत दिनों में उसकी एक बैठक हुई थी, मैंने उसमें भाग लिया था, उसको मद्देनजर रख के मैं यहाँ पे दोबारा एक चीज बोलना चाहूँगा। देखिए बारी बारी बात आ रही है अंग्रेजी में विज्ञान की, और किस तरह से वैज्ञानिक वैज्ञानिक से बात करते हैं और दूसरे वैज्ञानिक किस तरह से जनता से बात करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा यही कहूँगा जो मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब के ऑफिस में जो मीटिंग थी उसमें कही थी कि हमको हिंदुस्तान में एक ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी के जर्नल की जरूरत है जो कि हमारे अपने देश में एडिट की जाए, हमारे अपने देश में प्रचलित हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, तमिल में हो, सब भाषाओं में हो, लेकिन हाँ अंग्रेजी में होनी जरूरी है, लेकिन वो हमारे अपने ही देश में हो, एडिटर हमारे देश के हो, क्वालिटी साइंस और नेचर के बराबर हो। और देखिए उससे फायदा यह है कि आजकल जैसे हमारे रसायन शास्त्र के प्रोफेसर साहब बता देंगे आपको, खासकर जब वो पेपर छापना चाहते हैं तो आजकल ये बड़े जर्नल 3-4-5 लाख रुपए मांग लेते हैं एक पेपर छापने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देश का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है ये विदेशी जर्नल्स में पेपर छापने से। जब टैक्स पेयर पैसा दे रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी करने के लिए, तो टैक्स पेयर का पैसा अच्छे से लगे जर्नल हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं तो इसके लिए बहुत जोर दे रहा हूँ आज तक। और दूसरा विज्ञान संचार के लिए भी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर विजय राघवन और साइंस सेक्रेटरी जो हैं आशुतोष शर्मा साहब और अपने जो विज्ञान और तकनीकी विभाग के मंत्री हैं हर्षवर्धन साहब, वो तो सारे लोग हिंदी के लिए बहुत ही और खासकर मातृभाषा में बात करने के लिए बहुत ही रोचक हैं और वो बहुत चाहते हैं। तो ये मौका सही है,
लोहा गर्म है और इस वक्त इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और खासकर वो जो नई पॉलिसी बन रही है उसमें मेरी तरफ से यही जोर था कि एक जर्नल हिंदुस्तान में होना चाहिए। देखिए 10 साल लगेंगे आपको एक साइंस और नेचर और उस तरह का जर्नल बनाने में, लेकिन कोई कमी नहीं है, सारे जर्नल जो है उनके बैक ऑफिस हिंदुस्तान में ही है, सारा टैलेंट हमारे पास है, हम करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। और संचार जो है मातृभाषा में हो, केवल हिंदी नहीं मातृभाषा में हो, उसके लिए भी जोर मैंने दिया है और आगे भी देता रहूंगा। तो अगर बाकी वक्ता भी अगर इसको माने और कुछ लोग डॉक्टर विजय राघवन साहब के ऑफिस में एक ईमेल डालें तो शायद जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। धन्यवाद पल्लो सर। अब बहुत आपने जरूरी बात कही कि नेचर के स्तर का हम जर्नल क्या निकाल सकते हैं, समय तो हमें लगेगा लेकिन उसे एक मौलिक शोध की दिशा में भी एक बढ़ावा मिलेगा ऐसे ऐसे जर्नल के माध्यम से। और कुछ एक सवाल आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रतिभागी उन्होंने सवाल किया है कि क्या हमारे देश में मौलिक शोध को बढ़ावा दिया जाता है विज्ञान को लेकर, क्योंकि शब्द तो तभी नए आते हैं जब आपका शोध अपना हो। मान लीजिए कि अगर वो शोध अमेरिका में हुआ है या ऐसे अंग्रेजी भाषी देशों में हुआ है तो शब्द उन्हीं के रहेंगे, तो हम नए शब्द तब गढ़ेंगे उनका मानना है जब हम अपना शोध करेंगे, तो इससे आप लोग कितना सहमत हैं? एक सवाल और आ रहा है कि हमारे देश में विज्ञान को रटने पर जोर दिया जाता है, विज्ञान को समझने पर नहीं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये दूसरा जो सवाल का भाग है जरा दोबारा से बताएंगे प्रभांशु जी। विज्ञान को रटने पर जोर दिया जाता है, अच्छा अच्छा, समझने पर नहीं, मतलब विज्ञान को जो रुचिकर नहीं बनाया जाता, रट करके आपने लिखा और पास हो गए, विज्ञान की आपको डिग्री ले मिल गई। जहां तक मतलब एक रिसर्च वाला जो एटीट्यूड है जो जी 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 पहला जो सवाल का भाग है कि मूल रिसर्च, मुझे लगता है कि शायद हमारा जो प्रतिभागी है मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब आप पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो आप जो टॉपिक चुनते हैं वो अगर मूल नहीं होता तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो हर जो पीएचडी है वो उसकी जो शुरुआत है वो मूल रिसर्च के रूप में ही होती है। ये तो एक पहला सबसे बहुत ही कहें कि पहला कदम होता है जब आप उसी के लिए उसको और थोड़ा कहें कि इलेबोरेट करने के लिए आप देखें कि पिछले कुछ तीन चार साल से यूजीसी ने कुछ जो उनके जो नॉर्म्स थे वो रिवाइज करे हैं, उसको थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाया है। और दूसरा जो सवाल आपने बोला कि रटने पे जोर दिया जाता है, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ कि जो विज्ञान को पढ़ने और पढ़ाने और उसका जो मूल उद्देश्य है, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की वो बात करता है कि आपको जो एक मतलब कार्यकुशलता आपकी जो है वो उससे बढ़नी चाहिए, आपकी जो रचनात्मकता है क्रिएटिविटी है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दशक में मैं देख रहा हूँ कि आपका भी अनुभव रहा होगा कि हमारा जो शिक्षा है वो नौकरी पाने तक सीमित रह गई है, किसके कितने ज्यादा नंबर आते हैं। तो साइंस जो एक अपने आप में प्रक्रिया है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसको रट के अगर हम रट के पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा तरीका गलत है, उसमें हम प्रयोग कराते ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है करके सीखने का तरीका है। नहीं तो क्या है कि जो जैसे हम इतिहास पढ़ाते हैं ऐसे ही हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो जो हमारे छात्र हैं जब वो विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बात आती है तो वो मैनेजमेंट में चले जाते हैं या कुछ और कहीं की सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं, विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की नहीं सोचते, क्योंकि जो उनका जो कहें कि जो उत्सुकता है चीजों को करके देख के समझने की, वो जो प्रक्रिया है वो हम हमारी जो शिक्षा का जो तरीका है हो गया है। शिक्षा की नीति में वो बात है लेकिन जिस तरीके से हम स्कूल में विज्ञान पढ़ाते हैं, आप देखिए कि 10वीं कक्षा तक तो कोई प्रयोग होता ही नहीं है विज्ञान का, और 11वीं और 12वीं में भी बहुत कम हो गए हैं।
अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो उसमें आप देखिए कि जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे हमारे डाइसेक्शन बायोलॉजी के थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो अभी वो जो वो उसका जो जो कहीं की संख्या है वो बहुत कम हो गई, और वो एक उसको कहते हैं ना टेक फॉर ग्रांटेड कि इतने मार्क्स तो प्रैक्टिकल में मिल ही जाने हैं, और अभी ये सहूलियत होगी कि आपका जो प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपके स्कूल में ही होंगी, तो इसको थोड़ा एक कहें कि बहुत वो एक एक इसको एक, एक स्क्रीनिंग का जो एक प्रोसेस है उस नजरिए से इसको देखना पड़ेगा, ना कि सबको पास करना। विज्ञान के साथ ऐसा अगर हम करेंगे तो जो उसकी जो गुणवत्ता है, जैसे हमें वैज्ञानिक मिलेंगे या जो हमारी रिसर्च होगी उस पे उसका जो कहेंगे प्रभाव हमें फिर साफ देखने को, तो इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञान को करके सीखने की प्रक्रिया के रूप में हमें पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। बिना उसके अगर होगा तो एक इतिहास पढ़ाने में और विज्ञान पढ़ाने में कोई अंतर नहीं होगा, और वही चीज फिर अब हमें आगे भी देखने को मिलेगी। जी धन्यवाद वीरेंद्र सर, आपने बहुत ही जरूरी बातें कही, और मुझे लगता है आपने बहुत बेबाकी से कही, ये नहीं कि आपने कुछ छुपाने का प्रयास किया, आप उस पद पे हैं तो आप छुपा रहे हैं या दिखा रहे हो कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है। हमें वाकई इन चुनौतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मैम भी जुड़ी हुई हैं, आप लगभग 20 से अधिक किताबें लिख चुकी हैं विज्ञान के प्रचार प्रसार पर, विज्ञान पर, विज्ञान की शिक्षा पर, आपको राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया गया है विज्ञान लेखन के लिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो तमाम सवाल आ रहे हैं इन तमाम सवालों पर? जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मैं बहुत ध्यान से सभी की बातों को सुन रही हूँ, लेकिन एक विज्ञान लेखिका होने के नाते मैं रिसर्च लेवल तो बहुत दूर की बात होती है, जो हम विज्ञान को अक्सर उच्च शिक्षा पर ले जाते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जैसा कि सर ने कहा कि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, वहां पर मैं खुद, मेरे भी छोटे बच्चे रहे और मैंने उनको विज्ञान पढ़ाया, तो मैं देखती हूँ कि वही जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें अनुवादित किताबें हैं, और मेरे बच्चे तो खैर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन कभी जब मैं हिंदी माध्यम की उन किताबों को उठाती हूँ तो वो मौलिकता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये बदलने की है कि जो विज्ञान है उसको हम अपनी भाषा में लिखें तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि जब मैंने भी हिंदी माध्यम से बीएससी मेरा हिंदी माध्यम से था, फिर एमएससी और पीएचडी मैंने अंग्रेजी में किया, और दिक्कत यही होती थी कि हमने बीएससी तक हिंदी में पढ़ा और अचानक से एमएससी हमको जब अंग्रेजी में करना पड़ा तो बहुत ही मुश्किलें आई, और कारण यही था कि मैंने जो किताबों को हिंदी में लिखा है विज्ञान की किताबों को, उसका कारण यही था कि हम बात को सही ढंग से समझ सके। विज्ञान के शब्द एक अलग बात होती है, जो हमारे बच्चों को विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है, बात आती है कि आधा जो एनर्जी होती है, आधी जो ऊर्जा होती है बच्चों को अंग्रेजी को समझने में चली जाती है। तो इसलिए वो अपनी जो पूरी ऊर्जा है उसको आधे आधे भागों में बांटते हैं, पहले वो अंग्रेजी को समझते हैं, उसके बाद जितनी बची हुई ऊर्जा है उसमें वो विज्ञान को समझ पाते हैं। तो ये बात है कि हमें शुरू से ही देखना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अभी नए नए जो शिक्षक आए हैं, मैं देखती हूँ कि 50% ऐसे शिक्षक आए हैं जो अभी पूरी तरह से उन्होंने वही नंबर्स लेके और एग्जाम पास करके तो वो शिक्षक बन गए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से विज्ञान को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसका एक कारण यह है कि उनमें उनको खुद भी उतने अच्छे से विज्ञान को उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो अभी बच्चों को वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो मूल हमें जो शिक्षा के जितने भी नीति निर्माता है उनसे मेरा अनुरोध ये है कि एक बार भी जो हमारी शिक्षा नीति है विज्ञान को लेके उस पर जरूर फिर से गौर किया जाए, क्योंकि पुरानी चीजें चलती आ रही हैं।
अभी जो हमारे हम लोग पेरेंट्स जो हैं विज्ञान और जो बच्चे हैं वो जो कुछ कहना चाहते हैं उन बिंदुओं को जरूर दृष्टिगत रखा जाए, क्योंकि शब्द तो बहुत बात की बातें हैं, विज्ञान की जो चीजें हैं वो बहुत बात की बात है। मेन बात होती है कि उस विज्ञान को हम कितना सही तरीके से समझा पा रहे हैं, तब तो वो बच्चे उस चीज को समझेंगे। तो थोड़ी इन बातों पर, ये बहुत ही नींव की बातें हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी है, तब जाके हम आगे उच्च शिक्षा तक विज्ञान को बच्चों को ले जा पाएंगे वहां तक। जी थैंक यू मैम, आपने बहुत जरूरी बात कही कि ज्यादा पहली मतलब जो चुनौती होती है या ज्यादातर ऊर्जा इसी में खर्च हो जाती है कि हम भाषा को समझें। जब तक हम भाषा को समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस बात से पल्लव सर का मैं विचार जरूर जानना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं सर, आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों के पत्रकार रहे हैं, भाषा के इस सवाल को सर कितना आप मौलिक मानते हैं कि विज्ञान के भारत में वो कहीं किसी भी राज्य का छात्र हो, वो तमिल भाषी हो, तेलुगु भाषी हो, हिंदी भाषी हो, उसकी ज्यादातर एनर्जी इसी में खर्च हो जाती है कि पहले वो भाषा को समझता है और वो आत्मसमर्पण करके फिर रट लेता है और लिख देता है एग्जाम में। इस पे आप भी अपने विचार जरूर रखें सर। देखिए, ये जो एक हमारी मानसिकता हो गई है अंग्रेजी को लेके और एक वो कॉलोनियल बैगेज को लेके जो हम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये क्रम जारी रहेगा। और कोई भी विषय हो, अंग्रेजी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कोई भी हो, जिसमें भी जो रट के काम करेगा, देखिए वो गाड़ी आगे तक नहीं जाती, कहीं ना कहीं जो समझी हुई बात होती है वही आगे तक जाती है। और फिर मैं दोबारा यही बात दोहराना चाहूँगा, ये सब चीज़ें ये मैंने बहुत गहराई से जब कॉलेज में थे, हंसराज कॉलेज में, तब बड़े गहराई से सीखी थी, क्योंकि हमें सोचने का मौका दिया गया इन चीजों के लिए। तो ये तो देखिए, जो आपके अध्यापक होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, उनके किस तरह के विचार हैं, किस तरह से वो आपको समझाएं, किस तरह की छूट दें, उससे फर्क पड़ता है। और ये अंग्रेजी का बैगेज जो है ये छोड़ना पड़ेगा हमको, ये तो मेरे को बहुत सटीकता से समझ में आ गया काफी साल हिंदी की पत्रकारिता करते करते। आरके शर्मा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल पर? आप अनम्यूट करिए सर खुद को, आप म्यूट हैं। हाँ, आप सुन सकते हैं ना? हेलो, सुन पा रहे सर? तो मैं बिल्कुल उनके विचार से सहमत हूँ जो वो कह रहे हैं कि एक तो हमें शुरू से ही, और ये बच्चे को क्या समझ आए, कैसे इंटरेस्टेड होगा, ये शिक्षक पे भी डिपेंड करता है। अगर शिक्षक उसे अच्छी तरह से समझाता है, बताता है, तो वो रटेगा नहीं। तो ये शिक्षक भी, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है शिक्षक की, कि भाई वो अच्छी तरह उसको प्रोसेस को जो भी है, जो साइंस का विज्ञान का प्रक्रिया है, उसको समझाए और ऐसे तरीके से समझाए कि वो बच्चा भी इंटरेस्टेड हो। तो ये तो बहुत जरूरी है। और बाकी जर्नल्स का, हिंदी में जर्नल्स हैं जो अभी बात चल रही थी, तो ऑलरेडी यहाँ इंडिया में जर्नल्स गवर्नमेंट ने भी शुरू किए, सीएसआईआर ने शुरू किया, इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इवन बेंगलोर से एकेडमी ने शुरू किया करंट साइंस, बट इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो रिसर्च का भी एक बढ़ना चाहिए, आयाम ऊपर जानी चाहिए। तो मांगे सारे तो वो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या है, बाय मिस्टेक, सॉरी।
उसमें पैनलिस्ट बोल सकें बस। आवाज नहीं आ रही हमें। एक सवाल मालाओं को लगातार की हाँ कुछ कहना चाहते हैं जयसिंह जी आप? नहीं, बीच में आवाज नहीं आई, क्या कुछ रुक गए थे या कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी? सर की आवाज नहीं आई थी हमें। मीटिंग प्रोफेसर राकेश शर्मा जी मैं जुड़ चुका हूँ। हाँ चलिए आगे चलिए सर जी। एक सवाल आ रहा है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय है वहां पर जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो प्रयोगशालाएं होती हैं, वो नाम मात्र की होती हैं औपचारिकता के लिए। जो विज्ञान का मौलिक शोध है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस आवाज नहीं आ रही। आप सुन पा रहे हैं? जी अब आ रही है। अब आई आवाज प्रवांशु बताइए। हाँ, सवाल यह है कि जो प्रयोगशालाएं हैं खास करके विद्यालयों में वो सिर्फ औपचारिकता के लिए होती हैं, विज्ञान का असली शोध वहां पर नहीं होता है। ये प्रवांशु ऐसा तो है, कई जगह है, और अगर प्रयोगशालाएं नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो विद्यार्थी सीखेगा भी नहीं कि क्या साइंस है। जैसा प्रोफेसर देवेंद्र ने कहा था, तो क्या ही कहा था, तो विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशालाओं का प्रयोगों का करना बहुत जरूरी है, और ये नहीं होंगे तो नहीं सीख सकेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ एमएससी में एडमिशन के लिए हम पहले परसेंटेज से लेते थे, जो एडमिशन्स होते थे परसेंटेज मेरिट से हम करते थे एमएससी में। बट प्रॉब्लम ये होती थी, उससे बहुत से ऐसे आ जाते थे स्टूडेंट्स जो ये भी नहीं जानते थे, जो ट्वेल्थ में मिक्सचर एनालिसिस करनी होती कि वो कैसे करना है। फिर हमने एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया, तो हमारे यहाँ हम आधे बच्चे 50% ऑनर्स के होते हैं हमारे, और 50% हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है कि वो जो बच्चे जिनको लैब्स ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, वो फिर विज्ञान को समझने में असमर्थ है। प्रवांशु जी सर आवाज आ रही है आपकी हमें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा कहें कि इन्हीं अध्यापकों के साथ, इसी एजुकेशन सिस्टम के साथ जो हमारा बाल विज्ञान कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उसमें ये सिद्ध कर दिया कि अगर अपनी भाषा और जो विज्ञान को करके समझने का जो प्रोसेस है वो अगर आत्मसात करें तो जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो समझ में आ सकती है। मैं एक उदाहरण उसका आपको देना चाहूंगा। बहुत ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो पीने के पानी की दिक्कत थी और
विज्ञान को अगर एक प्रोसेस के रूप में समझे तो कितनी तरीके की जो स्थानीय समस्याएं हैं वो ये छोटे बच्चे जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो वो एक गांव या कहेंगे पूरा एरिया था जहां पे ये जो एक एस्केरिस जो वॉर्म है पेट का उसकी समस्या थी और हर महीने वहां पे दवाई दी जा रही थी, लेकिन क्या था कि वो दिन बाद फिर दोबारा से वो जो सर्कल है उसका ऑन हो जाता था, यानी कि वो खत्म नहीं हो रहा था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर्स के भी और वहां पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के कि हो क्या रहा है। तो बच्चों ने इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया बाल विज्ञान कांग्रेस के कि ये क्या दिक्कत क्या है। तो पूरे गाँव के लोगों का बिहेवियर उन्होंने स्टडी किया कि गांव के लोग जो जो पानी जो बहरा बहकर नीचे आता था सुबह जंगल पानी के लिए ऊपर जाते थे और नीचे पीने के लिए पानी इकट्ठा कर लेते थे। तो एस्केरिस के जो सिस्ट है वो पानी के साथ दोबारा से पेट में चले जाते थे और वो सर्कल फिर दोबारा से वॉर्म का शुरू हो जाता था। तो ये साइंस को कि एस्केरिस को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लाइफ सर्कल को कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, उसका जो दूसरा होस्ट है वो उसे ना मिले। तो ये बच्चों ने पूरे गांव के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की, उनको समझाया कि आपका ये जो बिहेवियर है इसकी वजह से आपका ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले जो एस्केरिस क्या है, कैसे उसना लाइफ सर्कल पूरा करता है, ये किताबी ज्ञान था। अब उस ज्ञान को आधार बना के एक समस्या जिससे कि गांव जूझ रहा था वो उनका सेल्फ एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस था जो कि विज्ञान विधि पे आधारित था। तो इस तरीके से जो भी विज्ञान है, मैं आपको एक चीज और यहाँ और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे प्रोफेसर शर्मा ने केमिस्ट्री के लिए काम किया है, प्रोफेसर एचसी वर्मा का नाम आप सब लोग जानते होंगे, उनके साथ मिलके विज्ञान प्रसार ने लगभग 8 साल में एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने उस प्रोजेक्ट का नाम ही था इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स। यानी कि उन स्कूलों में जहाँ पे लैब नहीं है, प्रॉपर लैब नहीं है, और वो विज्ञान जो हम 6ठी से लेके 12वीं तक जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पढ़ते हैं, वो प्रयोग बिना लागत के वेस्ट मटेरियल से किस तरीके से किए जा सकते हैं या वो सिद्धांत किस तरीके से प्रतिपादित किए जा सकते हैं, वो पूरा जो मॉड्यूल है हमारे पास है पूरे देश में, हम खासकर आदिवासी इलाकों में या उन स्कूलों में जहाँ पे हमारे पास अच्छी या कहें कि सुसज्जित लैब्स नहीं है, उन टीचरों के लिए हम ये कार्यक्रम ये प्रयोग कहें कि कार्यशालाएं पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक एक अल्टरनेट जो तरीके हैं पढ़ने और पढ़ाने के उन पे भी काम हो रहा है, लेकिन वो अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए, वो एक एक कहें कि एक एक प्रयोग के रूप में ही कहें कि समानांतर रूप से चल रहे हैं। या तो उसको मुझे लगता है कि हमें एक जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाने की जरूरत है, या जो मेन स्ट्रीम का जो सिलेबस है उसको हमें जो एक बहुत ही कंडीशनड वे में विज्ञान को पढ़ाने की जो परिपाटी है उससे बाहर निकलना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं एक बदलाव की तो बिल्कुल जरूरत है जहां तक विज्ञान की बात आती है। वो हमारा सोशल साइंस या हिस्ट्री सिविक्स या मैथमेटिक्स जैसे तो नहीं पढ़ाया जा सकता, या टॉक एंड चॉक एंड टॉक जैसा जो हम बात करते हैं उससे नहीं चलेगा। विज्ञान अगर पढ़ना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, प्रकृति को समझना पड़ेगा, और प्रकृति जो एक कहते हैं कि उसमें जो हजारों लाखों करोड़ों जो प्रयोग लगातार चलते रहते हैं उनको उनको समझने की, उनको उनका अवलोकन करने की जो 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 एक कहें कि जो तीक्ष्ण जो ऑब्जर्वेशनल पावर चाहिए वो विकसित करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है विज्ञान को एक प्रोसेस के रूप में समझाना ज्यादा जरूरी है, और जब ये एक बात शुरू हो जाएगी तो ये रटने वाली बात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि विज्ञान को समझना है अगर तो प्रकृति की भाषा को समझना पड़ेगा, बाहर हमें निकलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सवाल तो ढेर सारे वैसे आ रहे हैं सभी प्रतिभागियों के, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। महेंद्र सर, अगर आप लोगों को लग रहा हो पार्टिसिपेंट का कोई सवाल छूट रहा है तो आप प्लीज छूट करिएगा, मैंने अपना पूरा। सुब्रता जी कुछ कह रही है, सुब्रता जी कुछ कहना चाह रही है। मैं बस एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सर ने कहा कि विज्ञान के शिक्षा के लिए बदलाव की बहुत जरूरत है,
तो वो तो सिस्टम की बात हो जाती है, वहाँ हम जो सामान्य आम जनता है या पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा बस एक अनुरोध सभी पेरेंट्स से है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को विज्ञान ही नहीं, किसी भी तरह की किताब को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ना तो उकसाया जाता है ना उनमें अपने मन से कोई किताब या पत्रिका उठाने की। जैसे हम लोग छोटे थे तो बहुत सी ये आती थी किताबें, पत्रिकाएं आती थी और हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते थे कि पढ़ो। तो इस समय जरूरी ये है कि जो विज्ञान में लेखन बहुत हो रहा है, मैं खुद भी लिखती हूँ और मेरे लेख हो सकता है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि किसी में इस तरह का उत्साह नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सभी बच्चों में विज्ञान को पढ़ने की रुचि जरूर जागृत करें, क्योंकि साहित्य बहुत भरा पड़ा है। भाषा वहां अलग चीज है, जिसको हिंदी में पढ़ना है अपनी भाषा में पढ़ना, अंग्रेजी, लेकिन पढ़ने की तरफ भी, क्योंकि सिर्फ किताबी जो आपका स्कूल का किताबें हैं वो तो अलग चीज है, वो तो रटना या नंबर लाना वो एकदम अलग चीज है, लेकिन जो सामान्य रूप में आम रूप में हम विज्ञान की किताबों को पढ़ें, अपने बच्चों को बोलें कि वो उन किताबों को पढ़ें, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही हम अच्छी दिशा की तरफ विज्ञान को ले जा सकते हैं। जी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि उनके यहाँ विज्ञान की प्रयोगशालाएं नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि इस हमारे पूरे बहस की सबसे अच्छी बात ये है कि हम समस्याओं के साथ साथ समाधान पर भी बात कर रहे हैं। जैसे मैम ने कहा कि बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाया जाता है, दुनिया की कोई भी चीज हो अगर उसको रचनात्मक तरीके से पढ़ाया लिखाया जाए और उसके प्रति एक मतलब एक इंटरेस्ट जगाया तो बहुत बड़ी चीज़ होगी वो। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि यूपी बिहार के ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर स्कूलों में सिर्फ प्रयोगशाला क्या किताबें भी नहीं हैं, तो बच्चा उस चीज़ को कैसे समझेगा जब बेस में ही नहीं रहेगा, तो कॉलेज में आकर के उस चीज़ को कैसे समझेगा वो। लगभग 450 से ज़्यादा लोग इस सेमिनार वेबिनार से जुड़ चुके हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है प्रवांशु भाई हमें अब समापन सत्र शुरू करना है, एक कोई सवाल आप जो बहुत महत्वपूर्ण है आप ले सकते हैं, या कोई वक्ता हमारे अगर इसका कंक्लूजन अगर वो देना चाहे पूरे कार्यक्रम का, तो मेरा अनुरोध है कोई भी एक कंक्लूजन दे करके फिर हम समापन सत्र की तरफ बढ़ते हैं। बीरेन जी या सुब्रता जी बोल चुकी हैं, राकेश शर्मा जी या बीरेन जी या पल्लव जी कुछ कहना चाहें, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा हमारे वक्ता द्वारा ही अगर इसका। मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो पूरा जो आज विचार रहा उसमें एक बात ये रही कि कहीं ना कहीं एक हम बदलाव की बात कर रहे हैं, और खासकर मेरा जितने भी अभिभावक हैं उनको लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक जो कहीं की चूहा दौड़ जो है नंबरों की लेके, क्योंकि बहुत ऐसे कई मंचों पे मैं एक सामना हुआ है 90% है 95% है, लेकिन जब उनसे मूलभूत विज्ञान के जो सिद्धांत हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जवाब नहीं निकल पाता है। तो विज्ञान को जितना भी पढ़ें, और मुझे लगता है कि ये पूरे घर में सभी अभिभावकों में भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को मूल कहें कि सोच के लिए प्रेरित करें, और उसके जो कहें कि उसकी जो कल्पनाएं हैं उनको पंख लगाने की जो दें, तो भाषा और कहें कि जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो विज्ञान जो भारत को चाहिए, वो नहीं जो कहें कि रीपैकेज होके आता है या उसको सर्कुलेट किया जाता है इंडिया के हिसाब से और झूठी जानकारी देके हम तक परोसा जाता है, वो नहीं। मैं एक उदाहरण सबको ये देना चाहूंगा और बच्चों को ये चैलेंज भी देना चाहूंगा कि ऑटोमेटिक मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं तो वो इंडियन के हिसाब से नहीं बनी है, उसमें जो कॉलर है और कफ है उसका साफ नहीं होता। तो मैं एक टेक्निकल चैलेंज अपने बच्चों को दे रहा हूँ, क्योंकि वो यूरोप में बना है, वो तेल नहीं लगाते सिर में, ना उनको इतना पसीना आता है, उनके लिए वो मशीन काम कर सकती है, हिंदुस्तान के लिए नहीं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें जबरदस्ती दी जाती है जो कहीं विज्ञापनों के माध्यम से, और वो हम ले भी लेते हैं और फिर पता लगता है कि ये तो उस काम की नहीं है,
हम सब विज्ञान जानते हैं कि कोई भी ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो हमें गोरा कर दे, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री है फेयरनेस मेंस फेयरनेस क्रीम का, वो मेरे ख्याल से 400-500 करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस जो है हिंदुस्तान में होने लगा है, क्योंकि जब से शाहरुख खान ने आके बोला है कि ये क्या लड़कियों वाली क्रीम लगा के घूम रहा है। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं जो विज्ञान है, मूलभूत विज्ञान है, जो हमें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम क्योंकि सारी चीज बच्चों पे थोप रहे हैं, हमें खुद भी उसकी जानकारी जब तक नहीं होगी, नहीं समझ होगी, मुझे लगता है कि वो आत्मनिर्भरता की बात नहीं आएगी और हमें क्या चाहिए ये डिसीजन लेने में हमेशा हम गलती करते रहेंगे। तो अगर हमें सही कहते हैं कि वो साक्ष्यों पे आधारित जो निर्णय लेना है उसके लिए मूल विज्ञान की समझ हमें हमारे बच्चों में या कहीं समाज के हर वर्ग के जो भी लोग हैं उनमें होगी, तभी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ पाएंगे। शब्दों के साथ मैं एक बार की बात की सर, मुझे लगता है कि पल्लव जी अभी हंसराज कॉलेज से हैं, सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर की बात से हम लोग इसको अगले सत्र तक ले चलते हैं। सर जी, पल्लव जी। अच्छा ओके, पल्लव सर मैं छोटी सी बात कहूंगा। देखिए मायूस मत होइए बिल्कुल, हिंदुस्तान या भारत जिसको हम कहते हैं हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, उसमें बहुत भाषाएं आई हैं, बहुत भाषाएं गई हैं, लेकिन मूलतः जितना मैंने देखा है आज भी भारतीय जो है वो विज्ञान से जुड़ना चाहता है और विज्ञान से और वैज्ञानिकों से रुचि रखता है। मैंने 60 से ज्यादा देशों का दौरा किया है और ऐसे भी देश देखे हैं जहाँ की वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमें अपना देश जो है उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है, हमारी डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है, और विज्ञान हमारे यहाँ बराबर सरकारें कोई भी हो विज्ञान को प्रोत्साहन हरदम मिला है और मुझे जहां तक लगता है आने वाले टाइम में भी मिलेगा, और मातृभाषा में जितना हम प्रमोट करेंगे उतना हमारे लिए आने वाले टाइम में फायदा होगा। बहुत अच्छी बात पल्लव सर। सर हंसराज कॉलेज ने विज्ञान लेखन की इन्हीं जरूरतों को सर, इन्हीं पर चुनौतियों को ध्यान देते हुए एक विज्ञान लेखन पत्र खासकर पत्रकारिता में कोर्स की शुरुआत की है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। जितने प्रतिभागी हैं मैं खास उनके लिए शेयर करना चाहता हूं कि इस कोर्स ऑनलाइन कोर्स है और फीस इसकी मात्र 3000 रुपए है, जिसमें हम हर दिन हर एक विज्ञान लेखन कैसे किया जाए अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को हम बुला रहे हैं। तो हमारे साथ इस कोर्स की कन्वेनर डॉक्टर मोनिका कॉल मैम जुड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि संक्षेप में मैम इस कोर्स के बारे में भी बता दें, विज्ञान लेखन इसमें हंसराज कैसे कोर्स कराएगा और क्या क्या चीजें होंगी, ये विशेषकर हिंदी में विज्ञान लेखन के लिए कोर्स हम करा रहे हैं। मोनिका मैम स्वागत है मैम। वेलकम वेलकम डॉक्टर मोनिका। थैंक यू रमा मैम। मोनिका मैम आप अनम्यूट करिए खुद को। अनम्यूट कर लिया। आ रही है, आ रही है प्रभांशु, आवाज आ रही है। जी 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 आवाज आ रही है। नमस्ते मैम, पल्लव सर, शागी सर और बाकी पैनल में सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ पल्लव सर आपसे भी बात हुई और त्यागी सर तो जानते ही हैं, मैम के निर्देशन में हमने अपने कॉलेज में एक कोर्स शुरू किया है। द कोर्स इज एंटाइटल्ड सर्टिफिकेट कोर्स ऑन प्रोफिशिएंसी इन साइंस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हमारा जो उद्देश्य है ये है कि साइंस को जो लिखें, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो संस्कृत के हो, तो अगर वो साइंस में राइटिंग करना चाहे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में या मैगजीन्स के थ्रू या ब्लॉग्स के थ्रू, बिकॉज उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और साइंस के विषयों को आम जनता तक कैसे पहुंचाए अगर उस एस्पेक्ट को भी समझा जाए, तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये स्पेशली फोकस्ड है ऑन कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आपके ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, कार्टून्स का भी यूजेज हो सकता है, पर जो कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक टॉपिक्स हो उनको साइंटिफिकली
मतलब उनको जांचे परखे बिना ना लिखा जाए, तो हम भाषा के स्टूडेंट्स को और अपने साइंस के स्टूडेंट्स को भी एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जो सारी कमियां एक साइंस में राइटिंग की होती है या राइटर्स में साइंस को समझने की होती है, उनका एक इंटरफेस बना रहे हैं जहाँ पे हम ऐसे तरह के विशेषज्ञों को बुलाएंगे। पल्लव सर तो जरूर आएंगे, त्यागी सर आएंगे, त्यागी सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, पल्लव सर तो हमारे अपने हैं, तो उनसे तो डिस्कस हुआ था और उन्होंने कहा था वो स्टूडेंट बनना चाहते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट नहीं, वो हमारे को गाइड करेंगे, तो वो भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। और हमारी प्रिंसिपल भी भाषा से हैं, मास कम्युनिकेशन उनका स्पेशलाइजेशन है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी साइंस लिखना चाहते हैं, जो भी साइंस को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल प्लास्टिक प्रॉब्लम है या कोविड था अभी, फिर कोई डिजीज आएगी या नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है या हमारे जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं और जो बहुत लैंडमार्क आविष्कार होते हैं, आम जनता नहीं समझ पाती और हमारी कंट्री साइंस में कहाँ है आज, उस सबको भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा यंग स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि विशेषज्ञ आएंगे, आपको अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट रहेगी, दो एग्जिट टेस्ट होंगे। तो जो भी यहाँ पे हमको सुन रहे हैं हंसराज कॉलेज की ओर से, मैं विशेष अनुरोध करती हूँ कि इस एक्सपीरियंस को जरूर लें और इस कोर्स के बारे में और प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करें। और बहुत जल्द अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी में थोड़ा एग्जामिनेशन का चल रहा है, जो ही वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज थर्ड ईयर के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम इस कोर्स को ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। हफ्ते में दो या तीन दिन क्लासेस रखेंगे, वो हम जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी अटेंड करेगा वो कोर्स, उनके सुविधा के अनुसार उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए और इस कोर्स को जरूर फील करिए, एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म होने वाला है। और मैं रमा मैम से कहूंगी कि वो बताएं कि कॉलेज जब खुलेगा तो हम इसे और अच्छे से फैसिलिटेट करवाएंगे, एक यूनिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा पहला कोर्स होगा और हमने ये इसी चीज को दिमाग में रख के किया है कि ऐसा कोर्स उपलब्ध नहीं है। और हमको पता है कि हमारे पास डायरेक्शंस देने के लिए हमारे पल्लव सर, त्यागी सर जैसे लोग हैं और जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। मोनिका सुब्रता जी भी हैं अब तो, मोनिका अब तो सुब्रता जी भी हैं साइंस राइटिंग के लिए। जी जी मैम, और भी लोग हैं, प्रोफेसर राकेश शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। जी मैम जरूर, मेरा जो भी सहयोग होगा मैं जरूर करूंगी, मैं भेज देता हूँ। जी साइंस फिल्म्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे, डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में जानकारी देंगे। तो एक एक हमने मॉड्यूल बना रखा है, सिलेबस हंसराज कॉलेज की वेबसाइट पे है, 8 मॉड्यूल्स में है ये कोर्स। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहें तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद महेंद्र, धन्यवाद मैडम, थैंक यू मोनिका, थैंक यू, धन्यवाद मोनिका। प्रभांशु हम कुछ कहना चाहें? प्रभांशु भाई, हाँ मोनिका मैम, आप उस मैडम लिंक चैट बॉक्स में प्लीज शेयर कर दीजिए जिस लिंक के थ्रू कोर्स से सबको जुड़ना है। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ और सारी डिटेल्स भी शेयर कर रही हूँ। हाँ, लिंक के अलावा पोस्टर भी और सारी डिटेल्स शेयर कर दीजिए और मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मेरे नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आप वो पोस्टर और लिंक प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ मैं चाहूंगा कि हमारे अन्य जो दो वक्ता है, सुब्रा जी, प्रोफेसर आर के शर्मा सर, कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। हाँ मेरे ख्याल से तो आज का ये जो सत्र था बहुत अच्छे से हुआ, तो काफी कुछ जो बातें थी विज्ञान को लेके वो कह ही दी गई हैं और बस मुख्य बात यही है कि अभी विज्ञान को लेके बदलाव
लाना है और उसमें विज्ञान लेखक से लेकर वैज्ञानिक और प्रशासन सभी के सहयोग की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है प्रभांशु भाई कि अब हम इसको समापन सत्र की तरफ ले चलते हैं। सर एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूं है कि अभी हमारा समापन सत्र शुरू होगा, इसके पहले जो आपको लिंक शेयर किया गया था वो शब्दावली आयोग से जुड़ने के लिए वो सामान्य गूगल फॉर्म था, वो शेयर किया गया था। अभी समापन सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी रावत जी, जैसा कि अभी हमारे सभी वक्ताओं ने हमें काफी चीजें बताई, सर आवाज आ रही है क्लियर? बताइए आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप सर, बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मौलिक लेखन के बारे में बात हो रही थी और मौलिक लेखन को मतलब कि अपनी भाषा में यानी मातृभाषा में कैसे लिखा जाए और कहाँ उसको प्रकाशित किया जाए, तो उसके लिए हमारे आयोग के पास दो त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती है, जो एक विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए है और दूसरी हमारी जो ज्ञान गरिमा सिंधु है वो मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए है। तो इसमें कोई भी हमारे प्रोफेसर वर्ग से जुड़े हुए शिक्षक लोग या जो शोध छात्र है वो अपना आर्टिकल्स या जो शोध पत्र है या लेख वो हमें भेज सकते हैं, और उसका हम क्योंकि दोनों ही हमारी जो विज्ञान गरिमा और ज्ञान गरिमा जो हमारी जो जर्नल है ये UGC के द्वारा इंस्टीट्यूट है और आपके जो जो लेख है उसको हम दोनों मॉड्यूल से मतलब ई पत्रिका और प्रिंट दोनों रूप में हम इसको छापते हैं। तो आप लोग जितने भी आज लगभग 450 लोग जुड़े हुए हैं तो एक साइज लगभग सबको मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो ये भी एक नई चीज़ है कि आप हिंदी अपने अगर तकनीकी लेख या विज्ञान से जुड़े हुए लेख आयोग को भेज सकते हैं। ये तो हो गया एक छोटी जानकारी। दूसरा एक हल्का सा है, प्रोफेसर त्यागी सर ये कह रहे थे कि कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ संगणक बनाया गया था और आजकल लोग उसको कंप्यूटर बोल रहे हैं, तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि समय के साथ शब्दावली भी मतलब कि उसमें भी अपडेशन होता है, उसमें भी संशोधन होता है। तो आजकल जो हमारे जो आयोग ने जो कंप्यूटर के लिए दोनों शब्द स्वीकार किए हैं, संगणक और कंप्यूटर, जो जिसको रुचि के अनुसार या सुविधा अनुसार जो सही लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी संगणक भी सही है और कंप्यूटर भी सही है, यानी शब्दावली आयोग ने दोनों ही शब्दों को मान्यता दे रखी है। ये मैंने सिर्फ जानकारी भी बताया था, धन्यवाद। स्वागत है उनका, मोनिका मैम का भी स्वागत है, और हमारे थोड़ा कुछ दिक्कत हो गया है। तो मैं अपने आज के इस सत्र के सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि पिछले 4 महीने से सर की लगभग 3 महीने से हम लोगों ने लगभग 300 से लगभग सेमिनार करवाया होगा, लेकिन विज्ञान पर इतनी अच्छी बातचीत और इतना अच्छा सेमिनार अभी तक मुझे तो मैंने तो कहीं नहीं सुना। कि मुझे यही समझ में आ रहा है कि अगर विज्ञान को भी अगर हमारे हिंदी, मैं हमारे कह रहा तो हमारी हिंदी, क्योंकि हम हिंदी की ही सुन रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो हिंदी प्रति उसकी रचनात्मकता को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से हम विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इस पर बहस पूरी हो रही है कि विज्ञान की किताबों को किस तरीके से हिंदी में लाया जाए, इस पर एक बहुत लंबी बहस और बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी इस पर चल रहे हैं। तो ये बहस जरूर हंसराज कॉलेज के फेसबुक पर है, और लोग सुनेंगे तो नई यहाँ से एक नई बहस शुरू होगी। तो मैं अब अपने सभी प्रोफेसर त्यागी सर का, आर के शर्मा जी का और बागला जी का, सुब्रता जी का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हंसराज कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, रमा मैम की तरफ से, प्रभांशु भाई की तरफ से, मेरी तरफ से। अब हम अगले सत्र समापन सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वक्ता श्रोता के रूप में हमसे जुड़े रहेंगे, हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रभांशु भाई आप आ गए हैं, प्रभांशु भाई आगे बताइए। जी 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 मैं आ गया हूँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ये प्रतिभागियों के लिए विशेष सूचना है कि कृपया आप 3 दिन तक जुड़े रहे हैं, प्रमाण पत्र का लिंक अभी नहीं शेयर किया गया है। पुराना लिंक था आपको शब्दावली आयोग से जुड़ने का, उसके बारे में जानने का, प्रमाण पत्र का लिंक अभी समापन सत्र में लगभग आधा घंटे बाद शेयर किया जाएगा। तो फेसबुक पर भी जितने लोग सुन रहे हैं, यहाँ भी जितने लोग हैं, आप लोग 3 दिन जुड़े रहे हैं, इसलिए अब अभी समापन सत्र तक रुकें, फिर लिंक आपको शेयर किया जाएगा। मुनिका मैम आपने वो पोस्टर और लिंक शेयर कर दिया कोर्स से जुड़ने का?
हाँ, मैंने पूरे कोर्स की डिटेल शेयर कर दी है पोस्टर, क्योंकि उसमें है ना फॉर्मेट में, तो उसे कर रही हूँ अभी। प्रभांशु कोई बात नहीं, प्रभांशु लिंक शेयर कर दिए ना, उससे काम हो जाएगा। लिंक है और वैसे मैंने अमित सर को पोस्टर भेज दिया है, अगर अमित सर शेयर कर सके तो वो पोस्टर शेयर कर दें। मैंने अमित चौहान सर को भेजा हुआ है, अटैच कर रही हूँ। हाँ प्रभांशु जी, वो पीडीएफ फाइल में है, मैं देखता हूँ अगर अभी जा पाएगा, चैट बॉक्स में जा नहीं पाएगा पीडीएफ फाइल ना, कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन शॉट लेके अगर उसकी इमेज ही अगर अटैच कर दें, अगर संभव हो तो। मैं अभी संभव देखता हूँ, जो भी संभव होगा अभी भेजता हूँ। और एक दूसरी छोटी सी सूचना यह है कि आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है और लगभग सभी राज्य बोर्डों का भी रिजल्ट आ चुका है, तो 12वीं के बाद एडमिशन बच्चों के लिए क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या चुनौतियां हैं, कल इस पे भी हंसराज कॉलेज ने जरूरतों को महसूस करते हुए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, और कल भी एक सेमिनार है शाम 4 बजे से, तो उसका लिंक अभी अमित जी शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में, तो जिनके जो भी गार्जियन जो भी अभिभावक जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकेंगे। फिलहाल इन तीनों दिन की चर्चाओं के लिए बहुत बहुत आभार। अब हम समापन सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी अपने आयोजकों का स्वागत करता हूँ, प्रोफेसर अविनाश जी। प्रभांशु एक बार पुनः जो है इस सत्र के सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र त्यागी जी थे यहाँ पे, प्रोफेसर आर के शर्मा जी थे, पल्लव बागला जी थे, इन सब मैडम शायद अब मेरे ख्याल से है नहीं, शायद वो निकल गई हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं कमरे के अंदर, जो हमारा एक छोटा सा एक कमरा बना हुआ है जो वर्चुअल रूम है ये। अवनीश जी ये भी हमारा एक वर्चुअल रूम है, इस रूम में से हमारे पास निकलने और आने की पूरी सुविधा है, लेकिन मुझे लगता है शायद डॉक्टर शुभ्रता शायद जा चुकी है, लेकिन सभी वक्ताओं का वक्तव्य बहुत अच्छा रहा, तो इन सबका धन्यवाद करते हुए अब हम समापन सत्र की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अब समापन ये चीजें तो सतत हैं, ये औपचारिक आज भर का ये समापन है। मैं इस समापन सत्र के प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए आदरणीय डॉक्टर महेंद्र प्रजापति सर को आमंत्रित करता हूं, जो लगातार 3 दिन से और इसके पहले से भी इस कार्यक्रम के संयोजन में सफल संचालन में भूमिका निभाते रहे हैं। महेंद्र सर आमंत्रित हैं आप। फिर हम लोग अगले सत्र की बात कर देते हैं। हमारे जो वक्ता हैं वो चाहे तो वीरेंद्र सर हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हैं और अपने समय के अनुसार वो देख लें। हमारे इस सत्र में प्रोफेसर अवनीश कुमार जी और हंसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर रमा मैम और आयोग से ही जयसिंह रावत जी और शिव कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो एक बार फिर से अपने सभी 2 दिन के सभी वक्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी बहस हुई वेबिनार में, हम समापन सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जय सिंह रावत जी अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि तो समापन सत्र है। तो महेंद्र रावत जी को तो धन्यवाद ज्ञापन करना है ना, रावत जी तो बोलेंगे, उनको तो धन्यवाद ज्ञापन करना ही है। तो हमारे बीच में आयोग से शिव कुमार चौधरी जी हैं, लगातार वो 3 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी भागीदारी उनकी रही है आयोग की तरफ से और हंसराज कॉलेज की तरफ से इस आयोजित इस वेबिनार में। उन्होंने जो भी अनुभव किया हम चाहते हैं उसके बारे में भी और अपनी तरफ से भी वो जो कहना चाह रहे हैं और वो कहें, उनका स्वागत है। शिव कुमार जी, बस मेरा अनुरोध इतना है कि समय का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि मैम को भी एक कार्यक्रम में और शामिल होना है। शिव कुमार चौधरी जी। धन्यवाद महेंद्र प्रजापति जी, बिल्कुल समय का हमें ध्यान है और हमें का 5 बजे कार्यक्रम समाप्त करना भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो आयोजित किया गया और काफी सफल रहा, इसमें 3 दिनों के दौरान कुल 10 व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। मैंने जो अनुभव किया इसमें हमें अच्छा लगा कि सभी वक्तागण अपने व्याख्यान हिंदी में दिए और लोगों को आसानी भाषा में समझाया, परंतु जो हमें एक समस्याएं सबके मुंह से नजर आई सुनने में आई कि आयोग जटिल शब्दों का सरलीकरण करे, यह कहना बहुत आसान है कि जटिल शब्दों का, जटिल शब्द होते कौन से हैं, अरे जो शब्द हम नहीं
प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे अपरिचित हैं, वही तो जटिल शब्द हैं। जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमें आसान दिखते हैं, वो सरल दिखते हैं। मेरा सिर्फ यही इस समापन सत्र में सभी से अनुरोध है कि आप इस तकनीकी आयोग से जरूर जुड़ें और तकनीकी शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया को समझें। ऐसे मंच के माध्यम से यह कह देना कि आयोग कठिन शब्द बना रहा है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। आयोग अकेले शब्द नहीं बनाता, आप जैसे विषय विशेषज्ञों की सहायता से ही शब्द गढ़े जाते हैं और शब्द का मानकीकरण किया जाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कैसे शब्द निर्माण करते हैं। हमारे पास जब शब्द आता है कि ब्लास्ट एक्सप्लोजन, तो आप क्या पर्याय बनाएंगे? ब्लास्ट के लिए क्या बनाएंगे, एक्सप्लोजन के लिए क्या बनाएंगे? तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे शब्द का पर्याय क्यों रखते हैं। अभी एक वक्ता ने बीच में कहा था वैश्वीकरण या वैश्विक महामारी, ग्लोबल के लिए वैश्विक शब्द विश्व से बना हुआ है, तो कितना आसान है अपनी भाषा का शब्द, क्योंकि विश्व से वैश्विक से बाकी सारे शब्द बनते हैं। हमें सिर्फ एक शब्द के बारे में नहीं सोचना होता है, मूल शब्द के बारे में सोचना होता है। ऐसा शब्द जो हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में ज्यादातर ग्राह्यता हो, ऐसे इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विषय के संदर्भ में शब्दों का मानकीकरण किया जाता है। आपको बता दूं, एक बार रसायन शब्दावली बनाई जा रही थी, उसमें ग्रीन केमिस्ट्री आई थी शब्द। ग्रीन केमिस्ट्री के लिए हरित रसायन बना दिया गया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है इसका हरे रंग से कुछ लेना देना नहीं है। अब बताइए हरित की जगह क्या रखा जाए? आज तक कोई विशेषज्ञ बता नहीं पाया कि क्या रखा जाए ग्रीन केमिस्ट्री के लिए। तो यह कहना बहुत आसान है कि आयोग द्वारा निर्मित शब्द कठिन है, जटिल है, प्रयोग नहीं हो सकते हैं। हम सिर्फ आप जैसे शिक्षकों से ही अनुरोध करते हैं कि इन शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा दें, छात्रों तक पहुंचाएं। जब आप प्रयोग करेंगे तब उन्हें आसान दिखेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस गोष्ठी की मेजबानी कर रही हंसराज कॉलेज से अंत में यही अनुरोध करूंगा कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम आप अपने यहाँ आयोजित करें, उसमें तकनीकी शब्दावली आयोग के एक प्रतिनिधि का शब्दावली पे निर्माण प्रक्रिया पे व्याख्यान जरूर रखें, जिससे कि लोगों को पता चले कि तकनीकी शब्दावली किस प्रकार निर्माण किया जाता है और क्या समस्या आती है। तो क्योंकि प्रतिभागियों को यही नहीं पता होता है कि तकनीकी शब्द बनाए कैसे जाते हैं, या तकनीकी शब्द होते क्या हैं, या तकनीकी शब्दावली आयोग कर क्या रहा है, तकनीकी शब्दावली आयोग कैसे शब्दों कितने शब्द गढ़ लिए हैं, क्या क्या योजनाएं हैं। ऐसे ही बीच में एक भी बात कहा गया कि मीडिया को ये शब्द पहुंचाने चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि जब कोई घटना होती है तो वहां मीडिया के पत्रकार पहुंच के खबर फटाफट छाप देते हैं, तो क्या यह पत्रकार का फर्ज नहीं बनता है कि आयोग के पास आए और पूछें कि क्या क्या नए तकनीकी शब्द लाए हैं आपने, तो कौन से तकनीकी शब्द दिए हैं आपने, उन तकनीकी शब्दों को लें और अपने मीडिया में छापें, वो उनको बढ़ावा दें। लेकिन नहीं, सिर्फ आयोग के ऊपर उंगली उठाना है। तो हम ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग तकनीकी शब्दावली आयोग से जुड़ें और भारत सरकार की इस अस्थाई आयोग और संवैधानिक संस्था के किए गए कार्यों का लाभ उठाएं और देश को उन्नति की ओर बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जब इस कार्यक्रम की भूमिका बन रही थी तो जितने भी वक्ताओं को जोड़ने के लिए कहा गया था रावत जी की तरफ से, हमने सभी लोगों को जोड़ा था और मुझे लगता है कि बीच बीच में आदरणीय अवनीश जी ने काफी जानकारियां हमको दी हैं। मतलब मुझे लगता है कि सर की तरफ से जितनी भी जानकारियां आई वो सारी बहुत महत्वपूर्ण थी और सर ने बीच बीच में अपनी बात को रखते हुए तकनीकी शब्दावली की तरफ से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जो अगर वीडियो पूरा सुना जाए तो सर का बहुत अच्छा बीच में बहुत सारी चीजें सर की रही। अब मैं सर को ही आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर अवनीश जी को कि वो आए और पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा है, जुड़े रहे वो उसकी तरफ से भी, और आप सर जो भी कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद शिव कुमार जी की बात को शायद आप उनकी थोड़ी नाराजगी को भी शायद आपने सुना होगा सर, तो उसको भी आप यहाँ पर अपने तरीके से रखेंगे। प्रोफेसर अवनीश कुमार जी,
नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हंसराज कॉलेज प्रशासन का और हंसराज कॉलेज की जो आदरणीय रमा जी के नेतृत्व में जो पूरी टीम काम कर रही है, जिसने कि बहुत अच्छा एक वेब गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर कराया। और जहाँ तक ये 8 वेब गोष्ठी मैं करा चुका हूँ शब्दावली आयोग के माध्यम से, तो मेरा भी ये जो अनुभव है कि जितना हम फिजिकल जो हमारे सेमिनार होते थे, वर्कशॉप होते थे, जितना उसमें डिस्कशन पूरे दिन में करते थे, सुबह 10 बजे शुरू करते थे, शाम के 5 बजे तक चलाते थे, उससे कहीं ज़्यादा डिस्कस हमारा जो विचार विमर्श है इन 2-3-4 घंटों में हो जा रहा है। और एक बहुत ही अच्छा समय का भी सदुपयोग हो रहा है और जो हम अधिक से अधिक प्रतिभागियों को जोड़ पा रहे हैं वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारे शिक्षक साथी जुड़े हैं, विद्वान साथी जुड़े हैं। मैं आप लोगों से केवल इस अवसर पर एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी हम अपने क्लास के लिए लेक्चर नोट्स तैयार करते हैं, क्लास में पढ़ाने से पहले हम तैयारी करते हैं अपनी, हम सभी विषयों के शिक्षक यहाँ पर हैं, उनमें विज्ञान के भी शिक्षक होंगे, मानविकी के भी शिक्षक होंगे, दूसरे अन्य विषयों के भी शिक्षक होंगे, हम हमेशा एक से अधिक रेफरेंस बुक्स का अध्ययन करते हैं, एक से अधिक रेफरेंस बुक्स को हम कंसल्ट करते हैं। हम कभी भी एक किताब को लेकर उससे अपना लेक्चर नोट्स नहीं तैयार करते, उससे हम अपना लेक्चर तैयार करते हैं। हम हमेशा एक से अधिक पुस्तकों को साथ लेकर तब अपना क्लास के लिए लेक्चर तैयार करते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक छोटा सा अनुरोध है सभी शिक्षकों से, सभी साथियों से, कि जब हम ये काम कर रहे हों उस समय हम हिंदी की भी एक पुस्तक उस समूह में शामिल करें। हम एक हिंदी या भारतीय भाषाओं के, यदि साउथ का क्षेत्र है, तमिल का क्षेत्र है तो तमिल की पुस्तक, यदि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है तो तेलुगु की पुस्तक, और हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी की पुस्तक को भी सम्मिलित करें, ताकि जो ऐसी परिभाषाएं हैं, ऐसे उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो ऐसे मूल हैं सब्जेक्ट के, उसको अंग्रेजी के साथ साथ विद्यार्थियों को हिंदी में भी उसकी जानकारी दें या भारतीय भाषाओं में भी उसकी जानकारी दें। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी विषय का जो मूल तत्व है उसको हम अपनी भाषा में ग्रहण करते हैं तो हमेशा के लिए वो हमारे मस्तिष्क में रहता है। और फिर एक बार हमारा मस्तिष्क यदि परिपक्व हो जाए, उस विषय में परिपक्व हो जाए, हम उस विषय का ज्ञान हमें मिल जाए, फिर उसको किसी भी भाषा में एक्सप्रेस करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे कितने वैज्ञानिक हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ की भाषा अंग्रेजी भी नहीं है, जहाँ पर फ्रेंच है, जर्मनी है, चाइनीज है, इतनी सारी भाषाएं हैं। जब उनको वहाँ पर स्पेसिफिक ज्ञान लेना होता है, वहाँ से कोई पोस्ट डॉक की डिग्री लेनी होती है, तो सबसे पहले वो वहाँ की भाषा को सीखते हैं और उस भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वापस जब अपने देश में आते हैं तो फिर अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये है कि एक बार यदि हम अपने आप को परिपक्व कर लें, हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो कि हमें अपनी भाषाओं को भी समृद्ध करना है, अपनी भाषाओं को भी आगे बढ़ाना है और अपनी भाषाओं में भी ज्ञान को लेके जाना है, अपने देश के नागरिकों के लिए हमें ज्ञान अपनी भाषा में उपलब्ध कराना है, तो जब भी हम अपने लेक्चर नोट तैयार करें, हम कहीं लेक्चर दें, तो उसमें थोड़ा सा हम उस विषय को प्रयास करें कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी अभिव्यक्त करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है उसमें भी एक बहुत अच्छा एक प्रोत्साहन मिलेगा उनको, और उनको विषय की समझ बढ़ेगी। और जितना अच्छा यहाँ पर ये पिछले 3 दिनों में वेब गोष्ठी का आयोजन किया, आप सभी ने यहाँ पर बहुत मेहनत किया, और ये सब टीम वर्क होता है, हम सब मिलके काम करते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आयोग बड़ा है या विद्यालय बड़ा है, दोनों सब समान रूप से टीम भावना से हम जितने भी कार्यक्रम करते हैं, पिछले मेरे लगभग 3 साल के कार्यकाल में लगभग 100 के आसपास हमने सेमिनार और ये संगोष्ठियाँ कराई हैं पूरे भारतवर्ष में, और यहाँ पर पिछले 21 मई से लेकर 13 जुलाई तक हम ये 8 वेब गोष्ठी करा चुके हैं, लगभग 24 दिन हम इस तरह के सेमिनार करा चुके हैं। तो आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमारे साथ में प्रतिभागी हमारे साथ में जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं आयोग से परिचित हो, आयोग की शब्दावली का प्रयोग करें। आप जितना भी कर सकते हैं ज्ञान को अभिव्यक्ति अपनी भाषाओं में, वो हमें अपनी भाषाओं में करनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी नए हैं जिनको अभी ज्ञान प्राप्त करना है उनकी भी अभिरुचि उत्पन्न हो। अभिरुचि तभी उत्पन्न होगी जब हम किसी विषय को समझ पाएंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे हमारी उसमें अभिरुचि नहीं उत्पन्न होगी।
तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। आदरणीय प्रोफेसर रामा जी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर किया। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग शब्दावली आयोग को इसी प्रकार मिलता रहेगा। मेरे साथ में आयोग के साथी हैं शिव कुमार चौधरी जी और जयसिंह रावत जी, वो भी निरंतर इन वेबगोष्ठियों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जितने हमारे विद्वान साथी जिनके व्याख्यान यहाँ पर हुए और जो प्रतिभागी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से दिव्यांत जी को और महेंद्र प्रजापति जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं अपनी कॉलेज की प्राचार्या रमा मैम को आमंत्रित करता हूँ। मैम 3 दिन हमारे साथ रहीं और उन्होंने पूरा कार्यक्रम अटेंड किया, और लगातार उनकी दूसरी मीटिंग में भी व्यस्तताएं रहती, फिर भी इन्होंने पूरे दिन हमारे तीनों दिन हमारे साथ रहीं। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो तीनों दिन के जो उनका अनुभव रहा वो और हमारे सभी अतिथियों का सम्मान भी वो करेंगी, धन्यवाद भी करेंगी वो। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमा मैम को। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र। आदरणीय प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, श्री जयसिंह रावत जी, श्री शिव कुमार चौधरी जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, डॉक्टर प्रभांशु और जो तकनीकी पक्ष देख रहे हैं अमित चौहान और सभी प्रतिभागीगण, मैं देख रही हूँ इस समय भी जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में मुझे जो है वो नजर आ 459 लोग हमारे साथ सीधे सीधे इस ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर अलग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए रूपरेखा से लेकर इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रोफेसर अवनीश आपका हंसराज कॉलेज की तरफ से और हम सबके हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। जिस तरह से आपने रूपरेखा से लेकर इतनी व्यस्तता के बीच में से भी आपने समय निकाला और आपने पूरी तरह से अपनी भागीदारी बनाए रखी, मुझे लगता है आयोग का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा होगा हंसराज कॉलेज के साथ कि हम लोग एक साथ 4000 लोगों तक पहुंचे। मुझे लगता है इसके लिए तो COVID-19 का हमें धन्यवाद कर देना चाहिए कि COVID-19 ने चुनौतियों के बीच में हमें अवसर दिया। नहीं तो अवनीश जी 4000 लोगों को मैनेज करना किसी भी आयोजन के लिए कितना मुश्किल काम है। और यहाँ पर लेकिन सभी प्रतिभागी जुड़े रहे, और क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने बात की थी सिनेमा की, कोशिश की गई कि तकनीकी शब्दावली पर बात करते करते भी हम सत्र सारे हमारे रोचक बने रहे, इसीलिए हमने सिनेमा पर भी बात की, हमने पत्रकारिता पर बात की, आज विज्ञान पर बात की, बीच बीच में हमें कई संकेत भी मिले। शिव कुमार चौधरी जी ने थोड़ा सा बीच में बिल्कुल सही कहा कि जैसे बार बार कहा जा रहा था कि कोई आयोग थोड़ा ना कठिन शब्द इस्तेमाल करता है, आयोग पर उंगली क्यों उठाई जाती है, तो शिव कुमार जी ऐसा है जो अच्छा काम करता है ना उंगली उसी पर उठाई जाती है। अगर आयोग काम ही नहीं करेगा तो आयोग पर उंगली क्यों उठाई जाएगी। ये तो अवनीश जी को मैं कहती हूँ जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है कि 60 वर्ष की यात्रा वाले आयोग की अध्यक्षता इस समय जो है अवनीश जी के हाथ में है। नहीं तो सही में आयोग इतना मतलब हमें तो सक्रिय कभी दिखा ही नहीं। अवनीश जी दिल्ली जैसे शहर में मैं रह रही हूँ, आयोग के साथ एक समय पर मैं काफी ज्यादा जुड़ी रही क्योंकि एक समय पर आयोग जो है वो हिंदी शिक्षण का काम भी करवाता था। मैंने आयोग के साथ मिलकर जो पत्रकारिता की शब्दावली है मैं उसकी कमेटी में भी थी, लेकिन जितना सक्रिय अवनीश जी ने इस आयोग को किया है मुझे लगता है उतना आयोग कभी सक्रिय नहीं रहा। तो जिसके हाथ में बागडोर होती है उसकी सक्रियता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अवनीश जी ने देखिए ना 3 दिन में देखते देखते आयोग को 4000 लोगों तक पहुंचा दिया, सिनेमा की दुनिया तक पहुंचा दिया, पत्रकारिता की दुनिया तक पहुंचा दिया, हमारे विज्ञान की दुनिया तक पहुंचा दिया। और इसमें कोई मैं कह रही हूँ यदि आयोग लोगों के पास जाए या लोग आयोग के पास जाए हमें इस बहस में पड़ना ही नहीं है। हमें तो ये करने है कि सब लोग अधिक से अधिक अपनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं को अधिक से अधिक सीखें। जैसा कि मैंने कल भी कहा था किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा देते समय प्रश्न कठिन कब लगता है उसको आता नहीं है। हमें सिलेबस में कोई भी टॉपिक एक शिक्षक होने के नाते एक टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा कठिन कब लगता है जब उस पर मेरी पकड़ नहीं होती,
जब मेरे पास सामग्री नहीं होती, लेकिन जब मैं उस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ा लेती हूँ तो मुझे वो लगता है वो विषय बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो शब्द अपने आप में मुश्किल नहीं है, शब्द बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बशर्ते हम उसका प्रयोग करें। और जो हम कहते हैं कि हिंदी सरल थी, तो क्या अंग्रेजी सरल है? मगर ये बताइए, जो हमने इतना अपने एक अंग्रेजी का जो एक मोह माया है, कहना चाहिए भ्रम जाल हमने अपने आसपास पकड़ लिया, जिसके लिए राहुल जी ने कहा कि हिंदी के लिए हमें अपनी भारतीय भाषाओं के लिए जिद होनी चाहिए, वो सारी की सारी जिद जो है इस समय हमारी अंग्रेजी भाषा की तरफ जा रही है। अंग्रेजी से मेरा कोई विरोध नहीं है, आपको जितनी अच्छी अंग्रेजी आए बिल्कुल आनी चाहिए, मेरा तो विरोध केवल वहां पर है जब हम अपनी भाषा को छोड़कर और हम विदेशी भाषा की तरफ भागते हैं। हम जो जैसा आज कही ना ये बात कि हमारा दिमाग में जो दिमाग हमारा काम करता है वो अपनी भाषा में काम करता है और प्रयोग हम करते हैं दूसरी भाषा को, इसीलिए मौलिकता का अभाव दिखाई देने लगता है। जब तक हम अपनी भाषा के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो जिद हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक आयोग सरल से सरल शब्द हमें बनाकर दे दे, वो शब्द हमें कठिन लगेगा। तो इसलिए हम अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करें। अवनीश जी ने आपको आयोग के कार्यों की जानकारी दी, आज रावत जी ने सब शिक्षकों के लिए कितनी अच्छी बात बताई कि आयोग की 3 पत्रिकाएं तो सीधी सीधी यूजीसी की लिस्ट में है, जिसके लिए आप सब लोग लिखते हैं, आप इधर उधर लिखने के लिए हमारे कई लेखक जो है हमारे, हम लोग परेशान रहते हैं कि हम लिखते हैं लेकिन कोई छापता नहीं है। हम ऐसी जगह जाए ना जहाँ पर लोग हमें छापने के लिए तैयार हों, जहाँ पर हमारे लिखे की एक उसका महत्व भी समझा जाए। आप आयोग के साथ जुड़ेंगे, आप आयोग जो है संशोधन में लेख करवाएगा, आप आयोग की वेबसाइट अच्छे से देखिए। श्री शुभमा चौधरी जी कह रहे थे कि हंसराज कॉलेज इस तरह के आयोजन करवाए, तो आयोग से किसी सदस्य को जरूर बुला। श्री कुमार जी, मैं तो अवनीश जी से कह रही हूँ, मैं तो चाह रही हूँ कि आयोग का एक सब सेंटर हंसराज कॉलेज में खोल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर आयोग की पुस्तकें रखिए, आप वहां पर आयोग के कार्य का प्रचार प्रसार। दरअसल हमारा और आपका हंसराज कॉलेज कोई आयोग से अलग थोड़ा ना है, हंसराज कॉलेज तो बहुत छोटा सा एक बहुत छोटा सा कॉलेज है, आपका आयोग तो बहुत बड़ा आयोग है, पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये आयोग है। मैं तो आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आइए हंसराज कॉलेज से, आपको जिस तरह का भी सहयोग होगा, बशर्ते जब तक अवनीश जी यहाँ पर है, जब तक अवनीश जी अध्यक्ष हैं, हंसराज कॉलेज पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि प्रतिभागियों ने इन 3 दिनों को बहुत ही उनको अच्छा लगा होगा, उनकी जानकारी, उनको कई जानकारियां मिली होंगी, उनका ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा। रावत जी भी बीच बीच में अपनी मौजूदगी का हमें एहसास करवाते रहे, रावत जी ने बड़ी मेहनत करके इस वेब संगोष्ठी का आयोजन करवाया। आप देखिए ना, हिंदी में हम शब्द ले आए ना वेब संगोष्ठी, अब आप कहते थे वेबिनार वेबिनार, आयोग ने कब कहा? रावत जी बिल्कुल सही कह रहे थे, आयोग ने कब कहा कि आप कंप्यूटर के लिए संगणक की, शब्द जो है हमेशा जो है ना प्रयोग से बनते, शब्द जितने प्रयोग में होंगे उतने वो जीवंत रहेंगे, और जो शब्द प्रयोग में नहीं होते आयोग अपने आप ही उनको पार कर देता है। तो इसलिए प्रतिभागियों के साथ साथ हमारे जितने वक्ता थे, वक्ताओं ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उन सब वक्ताओं का मुझे लगता है प्रतिभागियों की तरफ से भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर अवनीश हंसराज कॉलेज जिस तरह की भी संगोष्ठी करता है, हंसराज कॉलेज बड़ी गंभीरता के साथ किसी भी विषय को लेकर उस पर विचार विमर्श करता है। शुरू में हमने ये सोचा भी नहीं था कि सिनेमा, पत्रकारिता, विज्ञान को लेकर हम इतना गंभीर चिंतन कर पाएंगे। मुझे लगता है उसके लिए आयोग की पूरी टीम और हंसराज कॉलेज की टीम, जिसमें डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, प्रभांशु, अमित चौहान, इधर से आयोग से रावत जी, श्री कुमार चौधरी जी, पूरी टीम प्रोफेसर अवनीश के साथ जिस तरह से लगी रही, मुझे लगता है उसी ने सभी प्रतिभागियों को जोड़े रखा और ये इस वेब संगोष्ठी की सफलता है। मुझे लगता है ये संगोष्ठी जो केवल हमें 4,000 लोगों तक दिखाई दे रही है, लगातार इसकी पहुंच लोगों तक लगातार रहेगी, क्योंकि जब हम YouTube पर इसको डालते हैं तो YouTube से इसकी पहुंच बढ़ती है। शर्त केवल इस मेहनत के पीछे केवल हमारा एक ही अनुरोध है सभी प्रतिभागियों से, आप अपनी भाषा, अपनी भारतीय भाषाओं से जुड़िए, आप इसे स्टेटस का सिंबल, मैं स्टेटस शब्द इस्तेमाल जानबूझकर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हम
अंग्रेजी को अपना स्टेटस सिंबल मानने लग गए हैं। हम अकेले में हम अपनी भारतीय भाषा पढ़ रहे होते हैं, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे होते हैं, जैसे ही कोई हमारे सामने आता है हम एकदम से अंग्रेजी का समाचार पत्र उठा लेते हैं। कई बार ये भी उसको नहीं पता होता कि हमने सीधा उठाया या उल्टा उठाया। ये हमने एक स्टेटस सिंबल जो बना लिया है, इससे इस देश की प्रतिभा का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इस देश की प्रतिभा का। तो इसलिए इस देश की प्रतिभा को हमने इस देश के लिए उसका हम उपयोग करें, क्योंकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की हम बात कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत की नींव यदि किसी से हो सकती है तो वह केवल अपनी भाषा, केवल केवल भारतीय भाषाओं से संभव है। इसलिए मेरा आप सब से करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए, गर्व अनुभव कीजिए। आप देखना आपका जो गौरवान्वित आप अनुभव करेंगे, आपका जो गर्व होगा वो हम सबको भी गौरवान्वित महसूस करवाएगा। और मुझे लगता है आयोग का भी यही मकसद है, आयोग भी यही चाहता है कि हम लिखने पढ़ने बोलने में जिस भी भाषा, जो भी हमारी अपनी भाषाएं हैं, हम उसका प्रयोग करें। तकनीकी शब्द का मतलब कोई बहुत कठिन शब्द नहीं, मैं आपको बताऊं ना, एक कॉलम शब्द है अवनीश जी, एक कॉलम शब्द है। हम घर बनाते हैं तभी हम कॉलम डालते हैं ना, और हम पत्रकारिता में हम बात करते हैं, हम पत्रिका में भी कॉलम लिखते हैं, हम समाचार पत्र में कॉलम में समाचार देते। एक ही शब्द का उस क्षेत्र विशेष में क्या प्रयोग हो सकता है, वही तो तकनीकी शब्दावली है। कि अगर हम पत्रकारिता में जाएं तो वहां एडिटोरियल के लिए क्या होगा, वैसे अगर हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें तो उस विशेष विषय के उस दायरे में उस शब्द विशेष शब्द का क्या अर्थ होगा। यही तकनीक जो है, जो आयोग है, इन्हीं तकनीकी शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ता है। लेकिन शिव कुमार चौधरी जी, इस संगोष्ठी के माध्यम से तय हो गया कि आयोग, चाहे आयोग के पास अगर लोग नहीं आते हैं, मैंने देखा है अवनीश जी का बड़ा सहज, बहुत ही सहज स्वभाव के अवनीश जी, सरल एकदम से, वो बिल्कुल ही उनमें कहीं दिखावटीपना नहीं है, कहीं वो औपचारिकताओं में नहीं पड़ते हैं। उनका एक ही मकसद है कि मैं आयोग के काम को आगे बढ़ाएं, हम बढ़ाएंगे। इसके लिए चाहे कॉलेजेस के पास जाना पड़े, चाहे पत्रकारों के पास जाना पड़े, चाहे सिनेमा जहां भी जाना पड़े। अवनीश जी, यदि आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं भी हंसराज कॉलेज की तरफ से आपके साथ चल पड़ूंगी। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ केवल और केवल एक मकसद है कि भारत की भाषाओं का भविष्य स्वर्णिम होना चाहिए। भारत की भाषाएं बहुत, मतलब कहने चाहिए कि इतनी इतनी वैज्ञानिक भाषाएं हैं हमारी, हम उनका प्रयोग करें, हम उनको आगे बढ़ाएं। आप सबका एक बार पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ, आयोग की पूरी टीम का, हंसराज कॉलेज की पूरी टीम का, सभी प्रतिभागियों का। मैं आयोग की टीम से कहना चाहूंगी कि हमारे हंसराज कॉलेज के की तरफ से यदि किसी भी तरह की आपको कोई असुविधा लगी हो, यदि किसी भी तरह की कोई कमी लगी हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और सभी प्रतिभागियों को यदि इन 3 दिनों में कहीं किसी की कोई बात यदि सही ना लगी हो, यदि लगा हो कि प्रतिभागियों से बहुत अधिक अपेक्षा की जा रही है, अपेक्षा तो मैं भी बहुत अधिक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम सबका एक मकसद है। हंसराज कॉलेज की पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हम हंसराज कॉलेज और आयोग दोनों मिलकर हम भारतीय भाषाओं के लिए ठोस अच्छा काम कर सकेंगे। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैम बहुत ही शानदार वक्तव्य हुआ आपका, और आपने बहुत सहजता, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें ही अपनी भारतीय भाषाओं को आगे लाना होगा, और सबसे पहला सम्मान हम करेंगे तभी कोई दूसरा उसका सम्मान करेगा। इतने अच्छे वक्तव्य के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जयसिंह रावत जी को आमंत्रित करूँ, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन से इस कार्यक्रम की भूमिका आदरणीय अवनीश जी के निर्देशन में हम इस बना रहे थे, लगातार जयसिंह जी हर घंटे पे जायजा लेते हुए उसकी फॉर्मेटिंग में, उसको प्रपोजल में और मेल करने में उन्होंने जो हमारा सहयोग किया, वो निश्चित रूप से अगर सर ने सहयोग नहीं किया होता तो इस कार्यक्रम को शायद हम 10 दिन बाद कर पाते। महेंद्र माफ करना, मैं बीच में रोक दूं कि रावत जी को ना धन्यवाद ज्ञापन करना है, आपने भी 3 दिन की ये रपट भी तो पढ़नी है ना आपने।
जी जी मैम, तो मुझे लगता है कि अगर रावत जी से पहले अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मैम रिपोर्ट में मैंने बीच में बोल दिया पूरी तरीके से रिपोर्ट में मुझे लग रहा है कि हमने काफी बातें कर ली हैं रिपोर्ट में, अगर सीधे धन्यवाद ज्ञापन नहीं करवा दे सर से। ठीक है, तो जैसे अगर 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 एक तरीके अगर कोई फॉर्मेलिटी है आयोग की तरफ से तो मैं कर देता हूँ कि पिछले तीन दिन में हमने पहले दिन जरा महीने अवनीश जी आप बताइए, अवनीश जी आप बताइए आपका क्या आदेश है। रिपोर्ट तो हम सब कर चुके हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा कोई इसमें इतना कोई हार्ड पास नहीं है। और कुछ ये कि जो जैसे हमारा जो आयोग है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है, तो इस विषय में जो हमारे अधिकारी हैं वो सारी चीज़ देखते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जितना भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इन्हीं लोगों का होता है। हमारा तो होता है कि हमने प्रोग्राम कराना है, पर जो उसका टेक्निकल पक्ष है कि कैसे उसका पेमेंट का इशू है, दूसरे इशू है, वो सब एज पर रूल करने होते हैं, तो वहाँ पर उन सब की आवश्यकता होती है और हमारे जो अधिकारी हैं वो निरंतर समन्वय बना के रखते हैं आयोजक संस्था से। तो एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं साधुवाद देता हूँ सभी को और धन्यवाद सर। महेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आगे कार्यवाही कराएं। जी हमने सर मैम ने कहा है, क्योंकि मैम ने कहा है तो मैं उनके आदेश का जरूर पालन करना चाहूँगा। हमने सर पिछले मैं सभी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो लोग शायद बाद में भी जुड़े होंगे, कल एक पहले दिन शायद जुड़ने में दिक्कत हुई थी, तो हमने इस कार्यक्रम को उद्देश्य हमारा यही था कि विज्ञान के साथ साथ पत्रकारिता और सिनेमा की शब्दावली पर भी एक अच्छी बहस हो सके, क्योंकि विज्ञान की शब्दावली पर लगातार बातचीत होती रहती, सिनेमा पर थोड़ा सा इस पक्ष से कम बातचीत हुआ है, तो इसलिए हमने उस पर ज़रा वो किया था और एक बहुत अच्छी बहस हुई। पहले दिन हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी हमारे साथ रहे, अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के VC, और जिसकी अध्यक्षता जो है विख्यात पत्रकार राहुल देव जी ने की थी। अवनीश जी ने बीज वक्तव्य के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, रमा जी के वक्तव्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिव कुमार चौधरी जी का और रावत जी के वक्तव्य से कार्यक्रम उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ था, और हमें पहले सत्र में सिनेमा की दो बड़ी हस्तियों को हमने शामिल किया था, असीम बजाज जी को और अजय ब्रह्मात्मक जी को, दोनों लोगों ने एक अच्छे डिस्कशन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और दूसरे दिन के पहले दूसरे दिन के जो दूसरा दिन हमारा था वो पत्रकारिता की वैज्ञानिक शब्दावली पर था, जिसमें हमारे साथ दैनिक जागरण के सहायक संपादक राजीव सचान जी और योजना के पूर्व संपादक जिसमें रेडियो से जुड़े हुए हैं रितेश पाठक जी और मनीष सजाद, रेडियो वाला एक बहुत लोकप्रिय RJ के रूप में हम उनको जानते हैं वो, और चाणक्य वार्ता के संपादक अमित जैन जी हमारे साथ जुड़े रहे। विज्ञान की तकनीकी शब्दावली पर एक बहुत अच्छी बहस हुई, आदरणीय सभी वक्ताओं के साथ के वक्तव्य के बाद कुछ सवाल जवाब भी हुए और एक अच्छी बहस हमने की। और आज इस कार्यक्रम के तीसरे दिन हमने प्रोफेसर RK शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय और वीरेंद्र त्यागी जी विज्ञान प्रसार से, मनोज और श्री डॉक्टर सुब्रता शुक्ला जी विज्ञान लेखक गोवा से, और पल्लव बागला जी हम जानते हैं उनको, उनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब लोगों ने मिल करके तीनों दिन हमने सिनेमा विज्ञान पत्रकारिता के शब्दावली पर बहुत अच्छी बहस की। और हमारी जो हमारे साथ श्रोता के रूप में जुड़े हुए लगभग 470-72 लोग जुड़े रहे और फेसबुक पर लगभग 4,000 लोग लोगों ने देखा, इसको बताता है कि कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुआ है और उपयोगी भी हुआ है। अब समापन सत्र के ऑलरेडी अवनीश कुमार जी ने बात रखी, कुमार चौधरी जी ने बात रखी, रमा मैम ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे कार्यक्रम को एक तरीके से संक्षेप में मैम ने किया और सभी का धन्यवाद भी किया। तो मैं अब सीधे इस पूरे कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए आयोग से ही श्री जय सिंह रावत जी का आमंत्रित करता हूँ, अब कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन वो पूरी करें। जय सिंह रावत जी, सर्वप्रथम मैं इस
त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शानदार समापन सत्र तक पहुंचने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय का, जिनके मार्गदर्शन में ये त्रिदिवसीय सफल रूप से यहाँ समापन तक पहुंची है। और मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ श्री शिव कुमार चौधरी जी का, कि जिनके मार्गदर्शन से, जिनके हमें निर्देशन से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए कि आज ये संगोष्ठी आज बहुत सफलता के साथ पूरी हो रही है। और इसी के साथ मैं हंसराज कॉलेज महाविद्यालय से प्राचार्य मैडम प्रोफेसर रमा जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कुशल निर्देशन से और आपकी पूरी टीम के साथ लगने से ये बहुत ही अपने की शानदार संगोष्ठी यहाँ सफल समापन की ओर बढ़ रही है। और मैं सबसे ज़्यादा मैं जो आभार और धन्यवाद आपकी तकनीकी टीम, जो इनके जो कोऑर्डिनेटर है संयोजक है डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी और डॉक्टर सुभांशु ओझा जी का भी कहना चाहूँगा कि इनके पूरे तकनीकी सपोर्ट से ये जो आज बिना बाधा के हमने, मतलब कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत कई वेबिनार हो चुके हैं, हमें थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि मैं अपने जहाँ बैठा हूँ वो पहाड़ पे है घर, और बहुत सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। इन 3 दिनों में मुझे पहली बार एक बार भी सिग्नल की कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब एक तकनीकी पहलू भी इनका अच्छा रहा कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमें ये आपकी एक तकनीकी टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि इस तरह बिना बाधा के एक तकनीकी प्रोग्राम को इस तरह आयोजित करवाना। और सबसे ज्यादा मैं आभार और धन्यवाद हमारे सभी वक्ताओं का करना चाहूंगा, जिनके बहुत ही प्रभावी व्याख्यान से हम सभी जो सहभागियों को बांधे रखा, और हमेशा जो संख्या थी वो लगभग 400 से ऊपर रही, और फेसबुक पे भी लाइव जो 2000 लोग कंटिन्यू रहे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे वक्ताओं का जो बड़े विद्वान थे अपने अपने विषयों के, उन्होंने हम सब लोगों को बांधे रखा और हम इस नतीजे में पहुंचे कि ये संगोष्ठी सफल रूप में समापन हो रही है। इसी के साथ मैं जो आपके डॉक्टर अमित चौहान जी है, जो भी तकनीकी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भी बीच बीच में अपना तकनीकी सपोर्ट दिया। और मैं और भी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इस वेब गोष्ठी में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, मैं सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय का विशेष कहना चाहूंगा कि 21 मई के पहले मैं वेबिनार यानी वेब गोष्ठी में जानता भी नहीं था क्या होती है, लेकिन जो 21 मई आया और हमारा पहला वेबिनार शुरू हुआ जो अध्यक्ष मोदी ने मुझे ही दिया, हालांकि वो भी मेरा नहीं था, लेकिन अध्यक्ष मोदी ने मुझे चुना और उसके बाद ये कंटिन्यू श्रृंखला बन गई, और शायद ये हमारा 9वां वेबिनार जो कंटिन्यू चल रहा है। और अभी आपको बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष मोदी ने 21 जुलाई का ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का अप्रूवल दिया, अनुमोदन दिया है, तो उसमें भी विज्ञान और इंजीनियरिंग के जो हमारे जो शोध छात्र हैं या प्रोफेसर हैं वो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो ये एक मतलब कि लगातार इस तरह के वेबिनार आयोग से हो रहे हैं, जो भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, और अध्यक्ष महोदय का विशेष मार्गदर्शन हमें मिला है। मैं प्रोफेसर रमा मैडम जी का विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपने इतने वक्ता थे, और हमारे आयोग की बड़ी सीमा होती है समय की, और आपने समय सीमा में ही सारे वक्ताओं को अपना व्याख्यान पूरा करवाया, तो ये भी बड़ी सीमा होती है कि समय के साथ सबको बांध रखना, समय पर सबको सबका व्याख्यान पूरा करवाना, और व्याख्यान के साथ साथ संवाद भी करवाए, तो ये एक पहली बार एक नया हमें टीम इसमें दिखी कि लगातार व्याख्यान के साथ साथ बीच में वक्ताओं का आपस में संवाद, उनसे प्रतिभागियों में रुचि बढ़ती है, तो ये एक नई चीज़ हमें सीखने की भी। और अध्यक्ष महोदय से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इस तरह का संवाद का बीच में एक हमारे आगे वाले प्रोग्राम में भी रखा जाए। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय वेब गोष्ठी जो 3 दिवसीय थी, बहुत ही विशिष्ट संबंधित थी सिनेमा, पत्रकारिता और विज्ञान से सफल रही, तो मैं सभी जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बात जो मैं थोड़ा सा उसमें कहना चाहूँगा कि श्री शिव कुमार चौधरी जी, जो मैं बिल्कुल इसमें मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ कि उनका एक व्याख्यान जरूर होता है उसमें, जो तकनीकी शब्दावली का निर्माण और समस्याएं, और ये बहुत ही शानदार व्याख्यान होता है, हर बार प्रस्तुत करते हैं 1 घंटे का होता है, लेकिन मैं इसमें एक तकनीकी समस्या रहेगी कि यहाँ हमारे पास लगभग 14 हमारे पास वक्ता थे, महान विद्वान वक्ता थे, तो उन सबके समय सीमा की वजह से शायद ये नहीं हो पाया, लेकिन आगे जैसे कि अभी मैडम को भी मालूम हो गया कि इस तरह का अगर दोबारा हंसराज में होगा तो वो शब्दावली निर्माण का एक ऐसा हमारे पास सर का लेक्चर है, उसको सुनने के बाद कम से कम 50-60 शब्द ऐसे होते हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं कि वो कैसे बने और अब कैसे प्रचलन में आ गए, वो बहुत ही अच्छा लेक्चर था, होना चाहिए था, थोड़ा हमें समझ आता है कि वो समय की वजह से नहीं हो पाया। और दूसरी बात है कि अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि ब्लैक बॉक्स शब्दावली जैसे बनती है, ब्लैक बॉक्स वो वैसा होता नहीं है, जैसे कि वायुयान में जब दुर्घटना होती है तो उसकी जांच के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौधरी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उस शब्दावली पे काम किया, और वहाँ उनको मालूम पड़ा शिव कुमार चौधरी जी को कि ब्लैक बॉक्स वास्तव में ब्लैक नहीं होता है, वो ऑरेंज होता है, तो एक और उसी के अनुरूप उसका अर्थ उसकी परिभाषा के अनुरूप तैयार किया गया। ऐसे कई और बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में
श्री शिव कुमार चौधरी जी बताते हैं, लेकिन कोई सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास विद्वान वक्ता संख्या में ज्यादा थे और हम सभी को समय देना चाहते थे, इसलिए हम दे नहीं पाए। तो कुल मिला के मैं अब अपनी बात को ये समाप्त करता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और ये अच्छी संगोष्ठी रही, वेब गोष्ठी रही और आगे भी आशा करते हैं अध्यक्ष महोदय से और प्राचार्य मैडम से कि समय समय पर इस तरह की वेब गोष्ठियों का आयोजन आपके महाविद्यालय के साथ में होता रहे, जिससे कि आयोग का उद्देश्य भी पूरा हो सके और अपने हंसराज कॉलेज की जो गतिविधियां उनके बारे में जानकार लोगों को मालूम पड़ सके। धन्यवाद। एक बार सभी को फिर धन्यवाद देते हैं। सबका धन्यवाद सर, आपका विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजक रहे हमारे प्रभांशु भाई। प्रभांशु भाई अगर आप महेंद्र प्रभांशु जी, एक बार अगली बार क्या करना है कि शिव कुमार चौधरी जी का एक व्यक्तिगत हम एक अकेले होने का वक्तव्य रखेंगे। आपने बहुत जरूरी सुझाव दिया, चौधरी जी का ही वक्तव्य रखेंगे एक बार। जी जी बिल्कुल। प्रभांशु जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आप भी तो आप कुछ कहना चाहेंगे एक मिनट में। प्रमाण पत्र का लिंक शेयर कर दिया गया है फेसबुक पर भी और यहाँ भी, जैसे आप सावधानी से भरिए और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद फिर इस सर्टिफिकेट को आप फिल करिए सावधानी से, और अगर आप अच्छे से सर्टिफिकेट को भरेंगे तो जरूर आपको प्रमाण पत्र आपके मेल पर प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने तीनों दिन अटेंड किया है वही इस लिंक को फिल करें, अन्यथा हमारे पास पूरा डाटा है, हमें जरूर पता चल जाएगा कि किसने प्रोग्राम बिना अटेंड किए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की है, उसे हम इनवैलिड कर देंगे। तो ध्यान पूर्वक इस बात को सुनेंगे। और कल हमने जो है 4 बजे से हंसराज कॉलेज ने एक वेबिनार का आयोजन किया है। आप सबके घर में भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका 12वीं का रिजल्ट आया होगा, तो उनके मन में चिंता स्वाभाविक है कि भाई कि आगे कैसे ड्यू में एडमिशन होंगे। ड्यू में एडमिशन सबका सपना होता है, तो इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए हमने कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। वो जूम का लिंक शेयर भी किया गया है और हंसराज कॉलेज के पेज पर भी, पेज से आप लोग जुड़े ही हुए हैं, आप लोग लाइक करें, पिछले 3 दिन का कार्यक्रम शेयर करें और उस पेज पर आप जुड़ेंगे, वहां अपने सवाल पूछ सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, बेस्ट 4 क्या होता है, ऐसे तमाम सवाल होते हैं। तो आप लोग कल शाम को 3:30 बजे से जरूर जुड़िए। जूम का लिंक यहाँ मैंने शेयर किया है और हंसराज कॉलेज के पेज पर भी प्रोग्राम लाइव रहेगा। इसके अलावा जो पिछले 3 दिन का प्रोग्राम हुआ है बहुत ही सार्थक बहस हुई है, आप सबसे निवेदन है कि हंसराज कॉलेज के फेसबुक पेज पर जाएं, वहां पे वीडियो को लाइक करें, अपनी वॉल पर शेयर करें, अपने विचारों को कमेंट करें, आपको क्या अच्छा लगा, क्या आगे से और सुधारा जा सकता है। बहुत ही सार्थक चर्चा रही है, इसलिए उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं, अधिक से अधिक लोगों तक ये बहस पहुंचे, ये सार्थक जानकारियां पहुंचे, घर बैठे लोग सुन पा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप उस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, वो सुनेंगे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग। तो अभी ये काम आप करें, फेसबुक पे जाएं, इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ये आपकी तरफ से एक समाज कल्याणकारी कार्य होगा। तो ये कुछ जरूरी सूचनाएं थी। और जो लोग मैंने बताया कि साइंस राइटिंग के लिए, विज्ञान लेखन के लिए हंसराज कॉलेज एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा है 40 दिनों का, वो सर्टिफिकेट है, वो हंसराज कॉलेज की तरफ से आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उसकी फीस भी 3,000 रुपए सिर्फ है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें उस कोर्स से तो प्लीज जुड़ें, उसका लिंक शेयर किया जा चुका है, मैं अपना नंबर भी आपसे शेयर कर देता हूं, लेकिन नंबर पे आप कॉल सिर्फ उस कोर्स के संदर्भ में करेंगे। अन्य अब 3 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसकी सारी जानकारियां भी दी जा चुकी हैं। जिनको उस कोर्स की जानकारी चाहिए, वहां जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए अपना नंबर प्रेषित कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, ध्यान से नंबर को नोट कर लेंगे। और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी समाप्त होने वाली है, इसलिए 1-2 दिन में आप रजिस्ट्रेशन कर लें और लगातार जुड़े रहें। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी कार्यक्रम प्रोफेसर रमा मैम के नेतृत्व में हंसराज कॉलेज कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिल्ली तक या एक सेमिनार हॉल में हो रहा है, पूरा देश जुड़ सकता है। तो घर पे जब भी समय मिले आप इन चर्चाओं को सुने, निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक चर्चाएं। इसके लिए रमा मैम का, अनिश जी का, जय सिंह रावत जी का आभार, और महेंद्र सर जिनके नेतृत्व में लगातार हम लोग जिनके संयोजन में ऐसे आयोजन करते रहे हैं उनका विशेष आभार, अमित सर लगातार टेक्निकल सपोर्ट हमें देते रहते हैं, सर आपका भी विशेष आभार जी। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ,
मैडम आपके स्पीकर बंद है, माइक बंद है। मैम आपका सामने मैंने कहा प्रभांशु का भी विशेष आभार, प्रभांशु का भी विशेष विशेष धन्यवाद। प्रभांशु प्रभांशु जी का और अमित जी का बहुत धन्यवाद। मैं दो एक सूचना और देना चाहता हूँ कि कल इस 4 बजे के कार्यक्रम के साथ ही हंसराज कॉलेज में 2 और महत्वपूर्ण वेबिनार हैं। कल पांचात काव्य शास्त्र पर 2 बजे मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डीन करुणा शंकर उपाध्याय जी लोंजाइनस और अस्तु पर एक बहुत शानदार वक्तव्य देंगे कल। तो आप लोगों में से अगर कोई जुड़ना चाहे तो हंसराज कॉलेज के पेज पे जाकर के वहां से जुड़ सकता है। दूसरा शाम को 5:30 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हंसराज कॉलेज के 2 बिल्कुल युवा लोगों ने मिलकर के एक फिल्म बनाई विलोम, और उस फिल्म को विश्व के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को दिखाया गया, उसको बहुत सराहा गया। दोनों हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी रहे, उनके साथ हमने युवा सिनेमा पर एक संवाद भी रखा है 5:30 बजे से। आप लोग जरूर जुड़िए, सिनेमा में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही लाभदायक कि कैसे आप बहुत कम संसाधन में एक अच्छी फिल्म बना करके आप कांस तक पहुंच सकते हैं। रमा मैम के नेतृत्व में लगातार हम इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। कल 3 कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिली है, आप लोग जरूर जुड़िए, प्रमाण पत्र सब में दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार और धन्यवाद सभी को। आपको भी धन्यवाद मैडम और साथियों को, सबका पुनः सबका धन्यवाद। नमस्कार सर। अमित सर अभी